सुस्वागतम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिक्स्थ स्टैंडर्ड साइंस टॉपिक, वेलकम टू सिक्स्थ स्टैंडर्ड साइंस टॉपिक। साइंस के सब्जेक्ट में आपका स्वागत है, इस साइंस की दुनिया में आपका स्वागत है। तो ये स्वागत करेंगे किससे? हमारे फर्स्ट लेसन के साथ। तो ये लेसन होगा नेचुरल रिसोर्सेस पे। किस पे? ये नेचुरल रिसोर्सेस पे। तो ये पढ़ाने वाला कौन है? मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, मैं आपके साथ ये लेसन के ऊपर डिस्कस करूँगा। हम क्या करेंगे, एकदम फ्रेंडली मैनर में यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा। आपको बहुत सारी डिफरेंट स्टोरीज बताऊँगा जिससे ये लेसन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ओके, तो डरने की कोई बात नहीं जब हम आपके साथ है। 10, दिस इज आई एम प्रमोद भोज और मैं आपके साइंस के लेक्चर्स लेने वाला हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। हम लोग अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। तो ये लेसन में क्या था? देर इज नेचुरल रिसोर्सेस। चलो इसका एक इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस एक्चुअली होते क्या है। सिंपल थिंग है, एक बार आप लोग घूमने चले गए, कहाँ पे? समझो मनाली वगैरह, इस जंगल एरियाज में आप घूमने चले गए। ओके, एक फॉरेस्ट में आप घूमने गए। अब फॉरेस्ट में आपको क्या क्या दिखेगा? पेड़, बड़े बड़े पेड़, बराबर। पेड़ क्या होंगे? बहुत बड़े बड़े प्लांट होंगे, बहुत बड़े बड़े। देन बर्ड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, क्रीचर्स, इंसेक्ट्स, ये डिफरेंट टाइप्स के आपको वहाँ पे मिलने वाले। इवन देर आर द वाटर बॉडी, सॉइल, ये सॉइल का सिस्टम भी डिफरेंट होगा देन योर प्लेस। इट्स मे बी पॉसिबल, बराबर, ये पॉसिबल हो सकता है कि आपका वहाँ पे जो सॉइल है, मिट्टी है या लैंड है, इट्स डिफरेंट देन योर सिस्टम। तो ये सारा डिफरेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये सारी डिफरेंट चीज़ें दिखाई देती है। इवन एयर और क्लाइमेट, ये भी डिफरेंट हो सकता है, बराबर। अब इस जंगल से निकलकर आप चले आओ डेजर्ट में। कहाँ पे चले आओ? डेजर्ट में। तो आप मनाली के जंगल से निकलकर आप आ गए राजस्थान में। अस इस राजस्थान में क्या हुआ? डेजर्ट। अब डेजर्ट ऑल्सो डिफरेंट, क्लाइमेट बहुत गर्म हो रहा है। ओके, क्योंकि दोपहर में आप गए, दिन में तो गर्म होगा। ओके, देन सॉइल, दैट इज अ लैंड, इट्स ऑल्सो डिफरेंट। ये सॉइल में चलना भी मुश्किल हो रहा है, रेत में मुझे चलना भी मुश्किल हो रहा है, तो ये भी डिफरेंट है। देयर आर द बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स एंड क्रीचर्स, देयर ऑल्सो दैट्स अ एनिमल, एनिमल्स ऑल्सो डिफरेंट। यहाँ पे जो फॉरेस्ट में एनिमल्स थे और यहाँ पे जो एनिमल्स है वो भी डिफरेंट है। कुछ एनिमल्स सेम होंगे बट देयर टेक्सचर, स्किन कलर, हैबिट डिफरेंट होगा। तो ये डिफरेंट हो गया। ओके, मींस मैंने प्लेस चेंज कर दी तो ये सारी चीज़ें थोड़ी चेंज हो गई। ओके, इसके बाद हम चले गए कहाँ पे? हिमालय में। हिमालय बहुत ठंडी जगह। अब वहाँ पे जाते ही मुझे क्या दिखा कि यहाँ पे जो पेड़ है दे आर डिफरेंट देन द माय फॉरेस्ट एरिया। ओके, यहाँ पे जो प्लांट्स है दे आर डिफरेंट, सॉइल ऑल्सो अ डिफरेंट, सॉइल भी डिफरेंट है, एंड इवन
द एयर और द क्लाइमेट और वेदरिंग कंडीशन इज ऑल्सो डिफरेंट, ये भी डिफरेंट है। ओके, तो हम लोग ने ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को नोट डाउन कर दिया। सिर्फ घूमना नहीं है, हम कहीं भी जाते हैं ना, घूमना नहीं है, उसके आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्या चेंज है, ये हमें देखना है। ओके, अब वहाँ से मैंने प्लेन लिया और प्लेन से आ गया मुंबई, और मुंबई में गया किसी बीच पे। ओके, अब जब बीच पे जाता हूँ तो बीच पे मुझे क्या दिखाई देता है, देर आर डिफरेंट प्लांट्स। पहला क्या दिखा, प्लांट्स। फिर नीचे देखता हूँ तो सॉइल भी डिफरेंट है, बीच की सॉइल डिफरेंट है, यस डिफरेंट है। यहाँ पे जो एनिमल्स है वो नॉर्मल्स है, नॉर्मल है, बिकॉज देर इज बीच इज अ पोर्शन वेयर वाटर और द ओशन इज कनेक्टेड विद द लैंड एरिया। जो लैंड एरिया के साथ जो कनेक्टर होता है वो बीच का जो बेल्ट है, इसके हम लोग बीच बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या, रेत की सॉइल होगी, तो ये एक छोटा पोर्शन होता है, वो बहुत बड़ा नहीं होता है। क्लाइमेटिक कंडीशन कोस्टल रीजन है तो ह्यूमिड रहेगा, बराबर ह्यूमिड रहेगा, गर्म होगा। तो ये सारे चेंजेस आ गए। व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ तारकरली, तारकरली, तारकरली एक बीच है एंड देयर इज अ फैसिलिटी फॉर स्कूबा डाइविंग। स्कूबा डाइविंग आपने किया है, नहीं किया होगा तो करो, बहुत मजा आता है। स्कूबा डाइविंग, समुद्र के नीचे चले जाते हैं हम लोग। ओके, जो ऑक्सीजन मास होता है, एयर मास होता है, जो नाक को बंद किया जाता है और मुंह में उसको पंप किया जाता है, और उस टाइम पे हम नाक से एयर नहीं लेते, हम कहाँ से लेते, मुंह से, तो वो हम लोग एयर लेते। नीचे चले गए, अब नीचे चले जाने के बाद देखा तो यहाँ की लाइफ तो और भी डिफरेंट है। सॉइल जो लैंड पे, जो फॉरेस्ट में, हिमालयन माउंटेन में, डेजर्ट में या बीच एरिया पे मैंने जो लैंड देखी वो सी बेड की सॉइल है, वो थोड़ी डिफरेंट है। एनिमल्स जहाँ पे है वो भी अलग है, यहाँ पे मुझे हाथी घोड़ा ऊंट सब दिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ओनली फिश। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फिश है, कोरल्स है, कुछ डिफरेंट प्लांट्स है जो पानी के अंदर सबमर्ज है। मींस यहाँ पे जो लाइफ है इट्स डिफरेंट, ये बहुत डिफरेंट हो गई। ओके, अब ये हो गया डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्ट्रक्चर, क्या हो गया, दिस इज अ डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट लाइफ स्ट्रक्चर एंड दिस लाइफ स्ट्रक्चर्स इज कनेक्टेड विद दिस रिसोर्सेस, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेस। विच आर द नेचुरल रिसोर्सेस, देयर आर अ मेन रिसोर्सेस दैट इज वाटर, थर्ड, सेकेंड इज अ लैंड सॉइल, एंड थर्ड इज अ एयर। हम इसी तीनों को इस चैप्टर में करने वाले, यही तीनों चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में करने वाले कि लैंड क्या होती है, एयर क्या होता है एंड वाटर क्या होता है, एंड इसके कनेक्टेड्स में और सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो समझ में आ गया कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, मींस हर एक जगह पे हमें एनिमल दिखे, यस, प्लांट्स दिखे, यस, बट दे आर डिफरेंट, बराबर ना, ये थोड़े डिफरेंट थे ना, तो ये डिफरेंट क्यों होते हैं, बिकॉज देर इज अ इफेक्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस ऑन दिस बायोटिक फैक्टर।
तो सिंपल थिंग है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देर इज व्हाट इज अ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स वो होते हैं जिसमें बायोलॉजिकल चेंजेस, दैट इज अ जान होती है, दैट इज जान होती है, तो ये बायोलॉजिकल फैक्टर हो गए। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, प्लांट्स, ये सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे। अब अबायोटिक फैक्टर्स मीन्स देर इज अ नो बायोलॉजिकल सब्सटेंस, कोई भी बायोलॉजिकल इसमें नहीं है, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, इसमें कोई बायोलॉजिकल है क्या? नहीं। यहाँ पे ग्रोथ होती है क्या? कुछ भी चेंजेस होते हैं क्या? नहीं, ये खुद अपने अपने चल रहे हैं। स्टोन रखा हुआ है तो वो चेंज हो रहा है? नहीं। वो रेस्पिरेशन कर रहा है? नहीं। तो ये बायोलॉजिकल होगा क्या? नहीं। तो ये फर्क समझ लो। ये लास्ट ईयर भी अपना हुआ था, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। ओके, तो इसी को मैंने थोड़ा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है और ये पूरी तरह से इस चैप्टर के साथ कनेक्टेड है। ओके, समझ में आ गया, माइंडसेट हो गया कि किसके साथ हमें आज डील करनी है, किस फैक्टर्स के साथ मुझे आज डील करनी है। तो चलो अब चलते हैं अपने बुक्स के पास। ओपन योर बुक्स एंड व्हेन आई मार्क देयर यू शुड बी मार्क ऑन योर बुक बिकॉज दीज आर द इंटरनल क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स एंड लिसन केयरफुली माई डिस्कशन। मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ उसे परफेक्टली सुनो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आवर लेसन। लुक एट हियर, देर इज अ नेचुरल रिसोर्सेस एयर, वाटर एंड लैंड। हियर वी आर गोइंग टू कंसिडर देर इज एयर, वाटर एंड लैंड, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले। लुक एट दिस पिक्चर एंड वॉट यू सी इन दिस पिक्चर। फर्स्ट वी आर गोइंग टू द बेसिक स्ट्रक्चर, दैट इज लिथोस्पियर। लिथोस्पियर, ली, दैट इज अ लैंड, दैट इज लैंड। लिथोस्पियर, लिथोस्पियर ये क्या है? एक लिथोस्पियर क्या होता है? जो लैंड से कनेक्टेड है, किसे? बेसिक जमीन से कनेक्टेड है। तो ये हो गया लिथोस्पियर, ये क्या हो गया? लिथोस्पियर। ओके, देन हियर इज अ वाटर, ये क्या है? वाटर है। तो वाटर क्या होगा? यस, वाटर, हाइड्रो। वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रो। तो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना हुआ सब्सटेंस, तो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। तो ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। लुक एट दिस हाइड्रोस्फीयर। अब पानी में क्या क्या होते हैं? प्लांट तो होंगे, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, कुछ फिश एंड डिफरेंट टाइप्स के क्रीचर्स होते हैं। मीन्स यहाँ पे भी फिश में भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। एम्फीबियंस होते हैं जो टेरिस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ये दोनों जगह पे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलेगी, तो ये वेराइटी है। हियर इज अ लैंड, दैट इज अ लिथोस्फीयर एरिया। हियर एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर देयर। हिल्स, ओके, ये सब मिलेगा। देन हियर इज अ एटमोस्फियर, ये एटमोस्फियर। एटमोस्फियर इज अ एयर स्फियर, ये एयर से बना हुआ है, किससे? एयर। तो ये जो एयर का इन्वेलप दिया है अर्थ के साइड में, उसे एटमोस्फियर कहते हैं। तो हियर वी गॉट थ्री थिंग्स, लिथो, हाइड्रो एंड एटमो। लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमोस्फियर। अब ये तीनों चीजों के साथ क्या क्या जुड़ा है देखिए। बर्ड्स है,
बायोलॉजिकल फैक्टर है, यस। हियर पानी में क्या है, फिशेस है, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, क्रीचर्स है, बायोलॉजिकल फैक्टर, यस। लिथोस्फीयर बायोलॉजिकल फैक्टर है, यस। काउ इज देयर, प्लांट इज देयर, तो बायोलॉजिकल फैक्टर है, यस। तो ये सारी चीजें हैं, ओके, और इससे बनता है बायोस्फीयर। इससे क्या बना, बायोस्फीयर। तो हियर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर मेक अ बायोस्फीयर। क्या बनाया इसने, बायोस्फीयर बनाया, है ना। तो ये भी बायोस्फीयर में हमें क्या क्या मिलता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हमें मिल रही है। जैसे लैंड पे हम लोग डैम्स देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ रोड्स पे गाड़ियाँ चल रही है, ये सब कुछ बिकॉज ऑफ दीज स्टेजेस, ये लिथोस, ये बायोस्फीयर की वजह से हो रहा है। सिंपल थिंग समझो, यहाँ पे सिर्फ एटमॉस्फेयर होता है, अर्थ सिर्फ एटमॉस्फेयर से बनी होती तो हम लोग होते नहीं, जैसे यूरेनस, जुपिटर गैशियस है, वहां पे है नहीं, मास गैशियस प्लस लिथोस्फीयर मींस वहां पे लैंड है बट हाइड्रोस्फीयर नहीं है, एयर जिस तरह से चाहिए वो नहीं है, एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर इज नॉट देयर। मींस ये सारी चीजें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर लिविंग। तो यहां पे क्या हुआ कि दिस नेचुरल रिसोर्सेस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, हमें जीने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। सिर्फ पूरे इसमें मींस सोलर सिस्टम दैट इज़ अ मिल्की वे, मिल्की वे कौन सा है, जो जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं वो मिल्की वे कहा जाता है उसे, दैट इज़ यहाँ पे सिर्फ अर्थ ही ऐसी प्लैनेट है जिस पे बायोलॉजिकल फैक्टर है, देयर इज अ बायोलॉजिकल फैक्टर्स, बाकी किसी पे भी नहीं मिला है, मिला अभी तक नहीं। आप तो मुझसे भी होशियार हो, आपको तो पता होगा, है ना। चलो तो नाउ ऑब्जर्व दिस पिक्चर्स एंड अलॉन्ग साइड द आंसर, वेयर डू वी सी द बर्ड्स, इन द एटमोस्फियर, वेयर इज अ काउ इज ग्रेजिंग, ऑन द लिथोस्फियर, लोकेट द ट्री एंड द रोड्स, ट्री एंड रोड्स हम लोग ने देख लिए, वेयर डज द रिवर कम फ्रॉम एंड फ्लो, रिवर कम फ्रॉम द डैम और हिली एरियाज एंड फ्लोइंग टू द प्लेन एरिया, जो प्लेन एरिया है लैंड है वहाँ पे वो फ्लो होती जा रही है, वेयर डज द एरोप्लेन, एरोप्लेन इज द एटमोसफियर, वेयर डज द फिश स्विम, हाइड्रोस्फियर, वॉट इज द सेल बोट फ्लोटिंग, वेयर इज द सेल बोट, तो सेल बोट होगी तो कहाँ पे होगी, जमीन पे तो नहीं चलेगी, बराबर, तो उसको व्हील होते हैं नहीं, तो वो जमीन पे नहीं चलेगी, तो उसको कहाँ पे, पानी में ही होगी, दैट इज अ हाइड्रोस्फीयर। तो हमें इस क्वेश्चंस को जवाब देने के बाद पता चला देर आर अ नेचुरल रिसोर्सेस, देर आर अ नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये नेचुरल रिसोर्सेस होते क्या है, एयर वाटर लैंड आर द फैक्टर्स इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग, फॉर लिविंग वर्ल्ड, सस्टेनिंग जिंदा रहने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए, सस्टेन करने के लिए एयर वाटर एंड लैंड की जरूरत पड़ती है ऑन द अर्थ फॉर फुलफिलिंग देयर बेसिक नीड्स। वॉट इज आवर बेसिक नीड्स, दैट इज फूड, बेसिक नीड है, यस। कहाँ से आता है, लैंड एंड कहाँ पे, एक्वेटिक, हाइड्रोस्फीयर, दोनों जगह से आता है। तो एंड रेस्पिरेशन,
सांस लेना, सांस छोड़ना, ब्रीदिंग। तो हमारी जो सबसे बड़ी जरूरत है, जिसके बिना हम लोग एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, क्या? एक मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, तो वो है एटमॉस्फेयर, एयर। अगर वो ही ना हो तो ये लैंड और वाटर होके भी फायदा नहीं है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। चलो, तो बेसिक नीड्स एंड दिस कॉल द नेचुरल रिसोर्सेस। ये ऐसे रिसोर्सेस है विच आर यूजिंग फॉर, विच आर हेल्प टू सस्टेन लाइफ एंड फुलफिल आवर बेसिक नीड्स, हमारी बेसिक नीड्स को वो फुलफिल करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया नेचुरल रिसोर्सेस। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आपके बुक्स में क्या दिया है। जैसे यहाँ पे दिखाया था कि डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स आप लोग ने यहाँ पे देखे। इवन जब आप घूमने गए, जब मैंने आपको एग्जांपल दिया, मनाली जाओ, डेजर्ट में जाओ, हिमालयन माउंटेन में बीच पे जाओ एंड तारकर्ली जहाँ पे स्कूबा डाइविंग होता है। अभी ये सिर्फ मुझे नाम पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इंडिया के बाहर तो कभी गया नहीं हूँ, तो मुझे स्कूबा डाइविंग के दूसरे सोर्सेस पता नहीं है। तो मैं इसी जगह पे गया हूँ जिसको मैंने एनालाइज किया और उसे आपको मैंने बता दिया। तो हियर देयर इज अ एटमॉस्फियर। तो ये क्या क्या बना? लैंड, वाटर, ये हमें मिला। एयर, वाटर एंड लैंड आर द कॉल द अर्थ एटमॉस्फियर। एयर, वाटर एंड लैंड आर कॉल द अर्थ एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर रिस्पेक्टिवली। एयर को कहेंगे एटमॉस्फियर, पानी को कहेंगे वाटर को कहेंगे हाइड्रोस्फियर एंड लैंड को कहते लिथोस्फियर। क्लियर? ये फिर से रिपीट हो रहा है। मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूँ और फिर आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, जिसके साथ आपको जो एग्जांपल पता है ना उसको ये कॉन्सेप्ट कनेक्ट हो जाता है। बराबर? अब आ जाते हैं आगे। मोर एवर डिफिकल्ट टू लिविंग थिंग्स ऑक्यूपाई दीज थ्री स्पीयर्स ऑन द अर्थ। इसके बिना हम लोग जी नहीं सकते। दीज लिविंग थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड द एटमोस्फियर विच दे ऑक्यूपाई देयर टूगेदर। सॉरी, बायोस्फियर। ये क्या कर रहे हैं? ये सारे जो लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमॉस्फियर, ये तीनों चीज मिलकर बन रहा है बायोस्फियर। क्या बन गया? बायोस्फियर। जैसे मैंने पहले बताया कि इन तीनों को भी एक बायोलॉजिकल फैक्टर्स ने कनेक्ट करके रखा है। बर्ड्स है, एक्वेटिक एनिमल्स, फिश है एंड देयर इज अ काउ। बायोस्फीयर है ना, प्लांट्स है, बायोस्फीयर है, बराबर। तो ये एनिमल्स ऐसी चीज है ना, वो तीनों जगह पे है। प्लांट ऊपर है एटमॉस्फेयर में? नहीं है, ये सिर्फ हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर में है। तो प्लांट उड़ तो सकते नहीं ना, है ना, एनिमल कर सकते हैं। दीज स्पीयर्स हैव फॉर्म ऑन द अर्थ नेचुरली एंड वी हैव लर्न ऑन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। ये सारी चीज़ें नेचुरली हो चुकी है, मीन्स हम लोग जिस तरह से डेवलप हो रहे, प्लांट डेवलप होते, पानी क्रिएट होता है, तो ये सारी चीज़ें नेचुरली अवेलेबल है। इसके लिए मुझे उसे परचेस करने के लिए किसी थर्ड पर्सन के पास जाना नहीं पड़ता। नेचुरली अवेलेबल एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या है? फ्री। आपके पास पानी मिल रहा है, ओके, इजीली वाटर आ रहा है, टैप खोला पानी आ गया, ओके। अब आपने क्या कर दिया है? अपने घर में एक फिल्टर बिठा दिया जिससे
पानी है ना बहुत प्योर होके आएगा, जो उसके जो मिनरल्स है मीन्स जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसे मार दिया जाता है। तो ये पानी हम लोग लेते हैं, बराबर लिया ग्लास, आधा ग्लास पिया, बाकी का फेंक दिया। क्या कर दिया हम लोग ने? फेंक दिया। अब आधा ग्लास पीने के बाद वो पानी हम लोग ने फेंक दिया, देयर इज वी आर वेस्टिंग। व्हाई वेस्टिंग? बिकॉज ये वाटर हमें बहुत फ्रीली एकदम कम रेट में मिल रहा है, फिल्टर की कीमत बहुत कम होती है, उसके जो चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं, तो हमें वो बहुत नॉमिनल लगता है, बराबर। बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती ना, आप एक काम करो, सिंपल थिंग आपके लाइफ के लिए बताता हूँ, मस्टर्ड का एक सीड ले लो, मस्टर्ड सीड्स, मोहरी का दाना, ओके, बहुत छोटा होता है ना वो, राई का दाना, बहुत छोटा होता है। अब इसे एक ग्लास ले लो, उस ग्लास में रख दो, डाल दो, एक ही दाना डालना है, ओके। अब एक दाना हर एक घंटे के बाद आपको उसमें एक एक दाना उसमें डालना है। आपको पता चलेगा 2 या 3 दिन के बाद यहाँ पे बहुत बंच क्रिएट हो गया, मीन्स यहाँ पे बहुत सारे दाने क्रिएट हो गए, मीन्स ये जो दाना था, यू आर वेस्टिंग रिसोर्सेस। हम जब थोड़ा थोड़ा करके वेस्ट कर रहे हैं ना रिसोर्सेस को, ये कुछ सालों के बाद बंच क्रिएट होता है। क्या होता है? बंच। तो हम लोग जो वेस्ट करते हैं चीज़ों को, क्या होता है? वेस्ट चीज़ें भी ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होंगी। तो इसीलिए नेचुरल रिसोर्सेस को परफेक्टली यूज़ करना पड़ेगा, ओके। तो फ्री में इसलिए कैसे भी यूज़ नहीं करना है। नाउ, एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ एंड सरफेस, दैट अर्थ इज अ कंप्राइज द वाटर एंड द लैंड एंड दिस हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर ये एयर से बनी हुई है एंड हाइड्रोस्फीयर बना है वाटर से, लिथोस्फीयर बना है सॉइल और लैंड से, रॉक्स है, हिली एरियाज है, इससे बन गया है लिथोस्फीयर। वी ऑल्सो लुक अपॉन दिस नेचुरल कंपोनेंट इन द सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स एज अ रिसोर्सेस। हम इन तीनों को अपने नेचुरल कंपोनेंट्स में भी, मीन्स साइंस लैंग्वेज में भी इसे देख सकते हैं, लाइक सॉलिड, सॉलिड कहाँ पे होता है? सॉइल, रॉक सॉलिड होते हैं, लिक्विड पानी एंड गैशियस दैट इज एयर। तो ये जो है ना लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फियर, लिथोस्फीयर ये सॉलिड है, हाइड्रोस्फीयर ये लिक्विड है एंड देयर इज अ एयर दैट इज एटमोस्फियर दैट इज गैशियस। तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही है? एक बायोस्फीयर को फॉर्म कर रही है। क्या कर रही है? बायोस्फीयर को। सिंपल थिंग, एक आउट ऑफ द सिलेबस बताता हूँ, आउट ऑफ द सिलेबस, ये आपके सिलेबस में अभी तो नहीं है। ह्यूमन बॉडी, ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये इसी तत्वों के वजह से क्रिएट हुई है। ये जो ह्यूमन बॉडी में ये सारी चीज़ें होती है, सॉइल में क्या होते हैं? मिनरल्स बॉडी में है, यस। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है? वाटर बॉडी में है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एयर, हम लोग कंज्यूम करते एयर करते, यस। तो मींस ये बॉडी है ना, ऑर्गेनिज्म, ये भी इसी चीज़ों के वजह से क्रिएट हुआ है, समझे? मींस इट्स आल्सो नेचुरल, ये भी नेचुरल होगा। चलो, दिस कंपोनेंट्स एंड इन अदर वर्ड्स वी यूज देम फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट एंड लेट अस नाउ स्टडी दीज 3 कंपोनेंट्स।
हम लोग अपने लिए उसे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया है, दिस इज अ पाई चार्ट, इसे क्या कहते हैं, पाई चार्ट कहते हैं। अब पाई चार्ट में क्या होगा, ये सर्कल है और सर्कल में कुछ कलर से उसे कलर पोर्शन है। हियर इज अ 71% वाटर दिया है, मीन्स अर्थ पे 71% वाटर है, अर्थ पे 71% वाटर है एंड 29% क्या है, लैंड। 29% सिर्फ लैंड है, बाकी पूरा वाटर है। फिर भी पानी की कमी है, हाँ कहीं पे सूखा होता है, कहाँ पे ड्रॉट होता है, कहीं पे लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, क्यों, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वाटर सिचुएटेड इन द ओशन। सबसे ज़्यादा पानी कहाँ पे, ओशन में है, ओके। और ड्रिंकिंग वाटर ये बहुत कम है, ड्रिंकिंग वाटर बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेट 97% वाटर ओशन में, 2% के आसपास, 2% के आसपास ये आइस में है, पोलर रीजन्स में जहाँ पे ठंडी बहुत होती है, यहाँ पे आइस में ये वाटर फ्रीज हो चुका है, तो ये 2% है, ओके। और बाकी के 1% में ये ग्राउंड वाटर एंड द पॉन्ड्स एंड लीवर ये इसमें आता है, कुछ पानी खराब हो चुका है, बराबर, जो पानी को हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ों में आ गया। मीन्स फ्रेश वाटर ये 0.003% है, बहुत कम है। मीन्स एक बकेट अगर आपने पानी लिया, एक बकेट एक पानी लेते हो पूरा फुल भर के और एक स्पून भर के पानी साइड में लिया, तो ये जो स्पून का रेशो है ना, ये पीने का पानी है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में टोटल वाटर है इस बकेट, बकेट का रेशो और स्पून के वाटर का रेशो जो होगा ना, वही पीने का पानी है, इतना ही रेशो है हमारे पास पानी का। फिर भी इट इज सफिशियंट बिकॉज नेचर हैविंग द एबिलिटी टू चेंज और सर्क्यूलेट द वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल कंटिन्यू चल रहा है, नेचर ही कर रहा है ये, तो बिकॉज विदाउट नेचर, विदाउट दिस एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर के अलावा ये नहीं हो पाएगा। इवन देर इज अ वन लेयर, एटमोस्फियर की बात करें तो अर्थ के साइड में एक इन्वेलप जैसे बना है, जैसे यहाँ पे आपको लोग पिक्चर में देख रहे हो कि एक इन्वेलप जैसे बना है, ये क्या है, ये एक एटमोस्फियर है, तो ये एटमोस्फियर, तो एटमोस्फियर के भी डिफरेंट डिफरेंट लेयर होते हैं। सिंपल थिंग होती है, क्यों, हर एक चीज को एक वजन होता है, मास होता है, बराबर, जब वो चीज़ अपने वजन कम कर देती है तो वो ऊपर होगी, और जिसका वजन बहुत ज़्यादा होगा वो नीचे होता है। तो इसी वजह से यहाँ पे देखिए, ये जो लाइन होगी ना साइड की, उसमें थोड़ा डार्क और फिर फेंट होते गया है, कलर कैसे गया है, बाहर की तरफ फेंट होते हुए गया है, ओके, तो अंदर डार्क कलर होगा और लास्ट में फेंट होते जाएगा, तो क्यों, बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर, ये एटमॉस्फेरिक लेयर है, ओके। चलो तो हम लोग अभी रिसोर्सेस को स्टार्ट कर देते हैं। चलो, व्हाट आर द 5 लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के 5 लेयर हम लोग देखेंगे अभी, तो ये कौन से होते हैं, चलो तो देखते हैं। एयर इज अ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेंट नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे डिफरेंट गैसेस है एयर में, हमें यूजफुल कौन से हैं, चलो फास्ट बता सकते हो,
हमें यूजफुल कौन से? ऑल द गैसेस आर यूजफुल. नाइट्रोजन हमें बहुत यूजफुल है, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, इट्स अप्रॉक्सीमेट 78%, 78% नाइट्रोजन है, और ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. प्रोटीन्स ये बनाता है. ऑक्सीजन जो 21% है वो क्या कर रहा है? हियर वी आर यूजिंग देम एज अ रेस्पिरेशन. सांस लेना, सांस छोड़ना, तो रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है. इट्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कितना है? 0.03%. ये प्लांट को खाना बनाने के लिए यूज होता है. कहाँ पे यूज हो रहा है? प्लांट्स उससे खाना बनाते हैं. देन आर्गन, ये इनर्ट गैस मीन्स किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बट इट्स क्रिएट द वन ऑफ द डेंसिटी. ये वाटर को एक एयर को एक डेंसिटी क्रिएट देगा. एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट में क्या होगा? वाटर वेपर है, डस्ट पार्टिकल्स है, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे होती है. अब मेरे पास तीन चीज़ें ऐसी मिली कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अदर इसमें मेरे पास वाटर वेपर है जो वो भी इम्पॉर्टेंट होगा, दैट इज वाटर साइकिल के लिए. किसके लिए होगा? वाटर साइकिल के लिए. मींस ये जो एटमॉस्फियर है और द एयर है, इसके हर एक फैक्टर्स मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे. तो हियर कार्बन डाइऑक्साइड इनर्ट गैसेस इज सिक्स इनर्ट गैसेस, दैट इज अ आर्गन. आर्गन ये इनर्ट गैसेस है. व्हाई इज अ इनर्ट गैसेस? बिकॉज इट्स नॉट रिएक्ट विथ अदर गैसेस. ये किसी के साथ, ये सेपरेट पड़े रहते हैं, सेपरेट रहेंगे, किसी के साथ बात नहीं करेंगे. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशंस होना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होते हैं, तो इस वजह से नाइट्रोजन, सल्फर एंड वाटर वेपर. सल्फर डाइऑक्साइड ये गैस है जो अर्थवेक के टाइम पे उसमें से बाहर आता है. एंड हियर इज अ, ये एक ऐसा केमिकल है, ये ऑक्साइड जब है ना वो थोड़ा जहरीला होता है, ये क्या होता है? जहरीला होता है. तो वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, पहला मेरे पास आ गया है द ट्रोपोस्फियर. चलो इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूँ. ट्रोपोस्फियर कंटेंट 18% ऑफ मास ऑफ गैसेस इन द एयर. 80% जो सबसे नीचे का लेयर है, सबसे नीचे के लेयर में होता है, दैट इज अ ट्रोपोस्फियर. ये कितना है? 80% ऑफ गैस मास. गैस मास दैट इज अ एयर मास. एयर का एक मास है जो यहाँ पे, सॉरी, 80% है. ओके, देन व्हाइल दिस प्रोपोर्शन इज अबाउट 19% इन स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर आएगा एक 19%. 19% में स्ट्रेटोस्फियर होता है. स्ट्रेटोस्फियर मींस यहाँ पे कितना हुआ? 80, ये हो गया 19. तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट 99% गैस दोनों स्पीयर में कन्वर्ट होगी, मीन्स हो गई. ओके, अब बाकी के स्पीयर में क्या बचा? देयर इज अ मेसोस्फियर, आयनोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. अब मेसोस्फियर एंड आयनोस्फियर ये प्रोपोर्शन ये अप्रॉक्सीमेट 1% के पास आएगा. मेसोस्फियर एंड आयनोस्फियर इसमें जो प्रोपोर्शन है ये किस में आएगा? 1% के आसपास. यहाँ पे गैस जो होती है, एयर होती है, बहुत रेयर हो जाती है, मींस बहुत रेयर, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट वी कांट रेस्पिरेट इन दैट एरिया. एयर है बट रेस्पिरेशन नहीं कर सकते. गैसेस दैट इज अ डिक्रीजिंग एंड गैस आर नॉट फाउंड इन अ
एग्जोस्पियर, एग्जिट होना, स्पियर से एग्जिट होना, स्पियर से एग्जिट होना। तो पहला क्या मिला, ट्रोपोस्पियर, ट्रोपोस्पियर के बाद स्ट्रेटोस्पियर, ट्रोपोस्पियर ट्रॉपिकल, ट्रोपोस्पियर उसके बाद स्ट्रेटोस्पियर, देन मेसोस्पियर एंड आइनोस्पियर, मेसोस्पियर एंड आइनोस्पियर, आइनोस्पियर आ गया। अब आइनोस्पियर के बाहर कौन होगा, यहाँ पे तो कोई गैस नहीं है, तो इसे हम लोग ने नाम दिया एग्जोस्पियर। मीन्स ये अर्थ को जो गैस का इन्वेलप बना है ना, राउंड है, उसके बाहर का पोर्शन, यूनिवर्स के बाहर का पोर्शन, यूनिवर्स में पोर्शन होगा, अर्थ के बाउंड्री के बाहर का पोर्शन होगा एग्जोस्पियर, दैट इज एग्जोस्पियर। तो यहाँ पे कोई भी गैस अवेलेबल नहीं। तो याद रखते वक्त आपको क्या करना है, हियर इज अ, यहां पे लिख देता हूं ट्रोपो, दूसरा आया स्ट्रेटो, बाद में मेसो, फिर आइनो, ओके, टी एस एम आई, टी एस एम आई, और लास्ट का है ई, टी एस, टिस मिक्स, टिस टिक, टिस माइक, दैट इज ट्रोपोस्पियर, स्ट्रेटोस्पियर, मेसोस्पियर, आइनोस्पियर एंड एग्जोस्पियर। ये लाइन से है, ये क्या है, लाइन से, दिस इज अ नंबर वन, दिस इज अ टू, दिस इज अ थर्ड, दिस इज अ फोर्थ एंड दिस इज अ फिफ्थ, देर आर द फिफ्थ स्पीयर्स ऑन द अर्थ, अर्थ के एक इन्वेलप बनाया ना, वो ये पांच जन ने बनाया हुआ है, ट्रोपोस्पियर, स्ट्रेटोस्पियर, मेसोस्पियर, आइनोस्पियर एंड एग्जोस्पियर। क्लियर, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो यहां पे मेरे पास पांच स्पियर मिल गए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसे आपको इस तरह से लिखना होगा और याद रखना होगा, ओके, उसे इस तरह से आपको याद रखना होगा। नाउ यू कैन सी द एयर इज अ मिक्सचर, एयर क्या है, मिक्सचर है, जैसे हम लोग ने पहले देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनर्ट गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स एंड सम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें मिक्स है, ओके, ये मिक्स है उस एयर में, हमारे आजू बाजू में ये सारी चीजें मिक्स में घूम रही है। सेवरल गैस आर इन द चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, कुछ बहुत कम है। बिसाइड्स दीज गैसेस एयर ऑल्सो कंटेंट वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स, जो हम लोग ने पहले बताया कि जिसमें डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर होता है। द अमाउंट ऑफ गैस इन द एयर इज ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस, नियर द सरफेस, वेयर इज ट्रोपोस्फियर, सरफेस के पास क्या है, ट्रोपोस्फियर। अब ये ट्रोपोस्फियर में सबसे ज्यादा गैस की डेंसिटी होगी, व्हाई, ऊपर के गैस से वजन आ रहा है ना, वो नीचे क्या हो जाएगा, एकदम डेंस हो जाएगा, ओके, तो ये डेंसिटी होगी। एंड डिक्रीज गोज टू हायर एंड हायर, सिंपल थिंग, डिक्रीज हो गई, जैसे यहाँ पे 80% थी ट्रोपोस्फियर में, स्ट्रेटोस्फियर में 19% बच गई, मीन्स कितनी, 19%, अभी बाकी में कितने बचे, ओनली 1%, किस में, मेसोस्पियर एंड आइनोस्पियर, मेसोस्पियर एंड आइनोस्पियर में सिर्फ
दोनों में भी 0.5 0.5, अने एक्सोस्फीयर में तो गैस ही नहीं है, एक्सोस्फीयर में गैस नहीं। तो हियर दैट इज एयर बिकम रेयर एट अ हाई अल्टीट्यूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह से हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, हियर एयर इज बिकम हाई अल्टीट्यूड, दिस इज अ गिव रीजन। ये गिव रीजन का क्वेश्चन है, दैट इज एयर बिकम रेयर इन अ हाई अल्टीट्यूड, और इसका आंसर होगा द अमाउंट ऑफ गैसेस इन एयर इज ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस एंड डिक्रीज एज वी गो हायर एंड हायर। एंड आप एग्जाम्पल में दे सकते हो ट्रिपोस्फीयर एंड स्ट्रेटोस्फीयर का परसेंटेज, तो सबसे ज़्यादा नीचे होगा और ऊपर की तरफ कम होगा। एंड दैट्स वाई व्हेन वी आर क्लाइंबिंग ऑन अ हिली एरिया, हिली एरियाज में बहुत बड़े एरिया होगा तो यहाँ पे ऊपर जाते ही सी लेवल से जितने अल्टीट्यूड पे जाते हो वहाँ पे एयर थोड़ी रेयर हो जाती है। सी लेवल पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है और ऊपर की तरफ थोड़ा कम हो जाता है। समझ में आ गया? यस, चलो तो नेक्स्ट चलेंगे। ओके, तो हियर द प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एयर बिकम देयर यूज आर गिवन हियर। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रोपोर्शंस दिए, तो प्रोपोर्शंस में क्या दिया है, हियर इज नाइट्रोजन, जो मैंने पहले आपको उसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो नाइट्रोजन, ये प्रोटीन्स, ये नाइट्रोजन्स होते हैं ना, वो एक्चुअली सॉइल में मिक्स हो जाता है बिकॉज ऑफ वाटर, रेन होती है ना तभी वो नीचे आ जाता है और वो वाटर सॉइल में आ जाता है, और सॉइल से प्लांट में आ जाएगा, प्लांट से फ्रूट्स में आ जाएगा, और ये फ्रूट को हम लोग कंज्यूम करते हैं, बॉडी बिल्डिंग होना तो ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हेल्प्स टू लिविंग थिंग्स बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स एंड यूजफुल प्रोडक्शंस ऑफ द अमोनियम एंड द एयर टाइट पैकेज ऑफ फूड स्टफ्स, हमें वो मिलते हैं। मीन्स प्रोडक्शन, ये एयर टाइट पैकेट यूज़ करते हैं कुछ, तो उसमें ये नाइट्रोजन यूज़ करते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन कोई भी बैक्टीरिया ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता, डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ दैट। ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज फॉर द फूड्स, एंड फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसको यूज करता है। इट्स अ आर्गन यूज इन अ इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों, बिकॉज ये हीट एयर क्या करती है, जो लाइट होती है ना उसे स्प्रेड कर देती है, क्या कर देगी, स्प्रेड कर देती है। आर्गन ये ऐसी चीज है जो रिएक्ट नहीं करती बट स्प्रेड करती है, तो ये वहां पे यूज किया। हेलियम, इट्स ऑब्टेन अ लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो जनरेटिंग लिफ्ट एंड एयर शिप्स। हेलियम ये सबसे हल्का है, ये बहुत हल्का होता है, जैसे आपने गुब्बारे देखे होंगे, गैस बलून्स, तो इसमें इसको यूज़ करते हैं, तो जिससे ये बहुत हल्का हो जाता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो ये ट्रैवलिंग के लिए पहले यूज़ करते थे। कब, जब एरोप्लेन हमारे पास नहीं था, क्या नहीं था, एरोप्लेन नहीं था और आदमी इंसान को उड़ने की इच्छा थी, तो यहाँ पे हम लोग ने एयर बलून के सहारे उड़ना स्टार्ट कर दिया था। नियॉन, इट्स अ डेकोरेटिव लाइट्स, बहुत सारी जो नियॉन लाइट्स आपने देखी होगी, ब्लूइश वगैरह ऐसी लाइट्स होते हैं, वो नियॉन लाइट्स होती है। क्रिप्टॉन, इट इज़ अ फ्लोरोसेंट ट्यूब, क्रिप्टॉन क्या है, फ्लोरोसेंट ट्यूब्स। एंड ज़ेनॉन इज अ फ्लैश फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। डैश गैस इज यूज फॉर फ्लोटोग्राफी, फोटोग्राफी में कौन सा गैस यूज किया जाता है, दैट इज़ ज़ेनॉन, दैट इज
ज़ेनॉन यूज किया जाता है। नाउ अब आपको क्या ध्यान में रखना है, रिमेंबर दैट द अर्थ इज सस्टेन्ड ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन गैस एंड द गैशियस एंड द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, ये रहेगा तभी ये बायोस्फीयर परफेक्टली मेंटेन रहेगा। द एटमोसफियर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फिल्टर अलाउ द लाइट एंड हीट सन रीच टू द अर्थ विच, जो ऐसी लाइट को अंदर आने देते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, वो उसको फिल्टरेशन का काम करती है। एटमोसफियर क्या करता है, फिल्टर करता है किसको, सन की लाइट को। जैसे सन से निकलने वाले अल्ट्रावायलेट रेज ये ओजोन लेयर, ओजोन ये क्या है, गैस है, इस वजह से वो रुक जाते हैं और उससे सिर्फ हीट, कम से कम लाइट नीचे आती है। तो हमें उस वजह से क्या होता है कि एकदम गर्मी वगैरह फील नहीं होती। तो अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ गई तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो अभी के टेम्परेचर से 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा, 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा। मीन्स यहाँ पे बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाएगा, कितना बॉइलिंग टेम्परेचर, 100 डिग्री सेल्सियस का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है ना वाटर का, वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये ओजोन लेयर होता है जो उसे फिल्टर कर देता है। तो इसी वजह से हमारे पास बायोस्फीयर है, दैट इज, बट इट प्रिवेंट द हार्मफुल एलिमेंट्स रीचिंग टू द अर्थ एंड इट इज द एटमोसफियर फॉग क्लाउड स्नो एंड रेन आर प्रोड्यूस। और ये एटमोसफियर ही हमें क्लाउड्स, रेन, फॉग, ये सारी चीज़ें देते हैं जो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशंस क्रिएट करवाते हैं। क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड वेदर कंडीशंस। चलो तो ये नेचुरल चीज़ें मैंने देख ली। अब ये जो एयर होती है ना उसका भी हम लोग बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, बराबर, फॉरेस्ट फायर, फिर यहाँ पे पोल्यूशन, गाड़ियों के वजह से होने वाला पोल्यूशन, तो ये भी क्या है, इट्स क्रिएट द गैस, ये भी क्या क्रिएट कर रहा है, गैस। एंड ये गैस जो एटमॉस्फेरिक परसेंटेज है ना गैशियस का जो एटमॉस्फेरिक परसेंटेज है उसे चेंज करता है, उसे क्या करेगा, चेंज करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस, ये चेंज होने के कारण एटमॉस्फेयर में कुछ डिफरेंट बदलाव आएंगे, दैट इज अ लॉट्स ऑफ चेंजेस हैपन बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, और इसे ही हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। क्या करते हैं, एयर पॉल्यूशन। पॉल्यूशन वो फैक्टर्स होते हैं विच चेंज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो प्रोपोर्शन होता है उसे चेंज कर देते हैं। तो दैट इज पॉल्यूशन, सिंपल थिंग। तो हियर इज अ पॉल्यूशन, हार्मफुल सब्सटेंस रिलीज इन एयर थ्रू द कंबर्शंस ऑफ फ्यूल, कंबर्शंस ऑफ फ्यूल के वजह से नेचुरल बहुत हार्मफुल सब्सटेंस क्रिएट होते हैं। अब इसमें क्या क्या है, ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड सूट, मीन्स छोटे छोटे कार्बन पार्टिकल्स, तो ये सारे होते हैं जो कहाँ पे आ जाएंगे, हमारे एटमॉस्फेयर में, जो पहले नहीं थे, पहले बहुत थोड़े थे, बट ये अभी इंक्रीज हो रहे, ये क्या हो रहे, इंक्रीज हो रहे। और दीज केमिकल्स, ये केमिकल्स है डिफरेंट, वो एक दूसरे के साथ भी रिएक्ट करते हैं और थर्ड प्रोडक्ट क्रिएट कर देंगे जो और हार्मफुल होगा, बराबर। चल ऑल द अबव पिक्चर लास्ट केल द इमर्शन ऑफ द स्मोक डिफरेंट एजेंसीज एंड द स्मोक ऑफ डायरेक्टली एग्जिट
मिक्स विद द एटमोसफियर एंड डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द एटमोसफियर कंटेंट इट्स कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन. हार्मफुल गैसेज गिव्स आउट थ्रू द कंबर्शन ऑफ फ्यूल फ्यूल व्हीकल बिग इंडस्ट्रीज एंड इनकम्प्लीट कंबर्शन. इनकम्प्लीट कंबर्शन, कंबर्शन पूरा नहीं होता तो इस वजह से ये गैसेस क्रिएट होते हैं. कंबर्शन पूरा नहीं होता इस वजह से ये गैसेस. सिंपल थिंग है, एक वुड को आप जलाओ, धुआं निकलता है, स्मोक होता है, यस ओके. अब आपके घर पे आ जाओ और किचन में जाके मम्मी को बोलो गैस चालू करो. अब ये गैस चालू करने के बाद यहाँ पे धुआं निकल रहा है नहीं, तो ये प्योर कंबर्शन हो रहा है. वुड में हाफ कंबर्शन हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे गैसेस, डिफरेंट गैसेस क्रिएट होते हैं. दूसरी, वुड में बर्न होते वक्त उसकी फ्लेम कैसी थी? ऑरेंज रेडिश, ऑरेंज रेडिश फ्लेम थी. बट आपके घर में जो गैस होता है वो गैस की फ्लेम कैसी होती है? ब्लू. मीन्स दिस वुड ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है अ नॉन कंबर्सिबल मटेरियल एंड द लाइट. ये क्या क्रिएट कर रहा है? लाइट. ये हीट के वजह से लाइट क्रिएट कर रहा है. बट गैस इज क्रिएट ओनली हीट, लाइट नहीं क्रिएट करेगा. अंधेरे रूम में गैस चालू करो, ज़्यादा उजाला होगा क्या? नहीं. पर अंधेरे रूम में कैंडल जला के रखो, लाइट आएगी. मींस ये क्या करते, जो रेड फ्लेम है ना वो लाइट क्रिएट करती है. रेड फ्लेम क्या करेगी? लाइट क्रिएट करेगी. एंड ब्लू फ्लेम हमें हीट देगी. क्या देगी? हीट. तो हमें क्या जरूरत है? हीट की जरूरत है ना. लाइट तो सन से मुझे मिल रही है, लाइट मिल रही है ना सन से, तो मुझे सिर्फ हीट की ज़रूरत है. तो खाना पकाने के लिए लाइट की ज़रूरत है या हीट की? मुझे दूध गर्म करना है तो मुझे लाइट की ज़रूरत है या हीट की? हीट की ज़रूरत है, तो हीट को यूज़ करो, लाइट को नहीं. ओके, तो पहले ज़माने में हम लोग लाइट को यूज़ कर रहे थे. क्या कर रहे थे? लाइट को यूज़ कर रहे थे. तो इस वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस ज़्यादा क्रिएट होते हैं. एज अ रिजल्ट एयर पॉल्यूशन इज इंक्रीज. अब यहाँ पे ओजोन लेयर के बारे में बताया है कि ओजोन लेयर क्या होता है. ओजोन लेयर ये ऐसा एक लेयर है, दैट इज ओजोन का फॉर्मूला है O3. ओजोन का लेयर क्या है? O3. ओजोन गैसेस इज नॉट डायरेक्टली यूजफुल, हमारे लिए कोई डायरेक्टली यूजफुल नहीं है, पर ये फिल्टर का काम करता है. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग थिंग्स विच लेयर ऑफ ओजोन इन अ हाई अल्टीट्यूड. ये बहुत हाई अल्टीट्यूड पे होता है. अल्ट्रावायलेट रेज जो भी आती है उसको ड्रॉप करना. ओजोन गैस ऑब्जर्व दिस रेज एंड एज अ रिजल्ट लाइफ ऑफ द अर्थ इज प्रोटेक्टेड. अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज नीचे आ जाएगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा. दूसरी, थोड़ी भी अल्ट्रावायलेट रेज आएगी और हमारे स्किन के साथ भी टच करते हैं, इट्स क्रिएट द बर्निंग सेंसेशन. ये बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करेगी. ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉय इफ द केमिकल गैसेस, हमारे पास कार्बन ऑक्साइड्स ये जो बढ़ते जा रहे हैं ना बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन, ये ओजोन लेयर को कम कर देते हैं. अब ये कम होने के बाद क्या होगा? तो हियर अल्ट्रावायलेट रेज अंदर आना स्टार्ट कर देगी और जब ये अंदर आएगी तो क्या होगा? डिस्ट्रॉय. तो हियर वी नीड टू कंट्रोल दीज थिंग्स. अब पहले हमारे पास जो रेफ्रिजरेटर या एसी होते थे उसमें एक गैस यूज करते थे, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये यूज किया जाता था फॉर कूलिंग इफेक्ट लाने के लिए. बट ये गैस बहुत हार्मफुल है. ये गैस क्या होता है? बहुत हार्मफुल है. एंड बिकॉज ऑफ इट्स लीकेज ये ओजोन लेयर को डिप्लेट कर देता है. क्या कर देता है? हियर इट्स अ डिप्लेट द ओजोन लेयर. ओजोन लेयर को ही तोड़ देगा.
ओजोन लेयर को तोड़ने के वजह से, कट करने के वजह से ये ओजोन लेयर खराब हो जाएगी एंड हियर इज प्रॉब्लम बिगिन, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो हियर 16 सितंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क करके रखो। 16 सितंबर इज अ सेलिब्रेट ओजोन प्रोटेक्शन डे, इट्स अ ओजोन प्रोटेक्शन डे। तो इस टाइम पे हम लोग ओजोन के बारे में सबको अवेयर करते हैं, तो ओजोन प्रोटेक्शन डे होता है। इवन देर इज सम इंडिकेटर्स, ये टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। आप दिल्ली, मुंबई या मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाओगे तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है ना, वहाँ पे ये इंडिकेटर्स होते हैं कि यहाँ पे कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ द व्हीकल्स एंड अदर फैक्टर्स के वजह से कितना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। तो ये पॉल्यूशन भी ह्यूमन बींग्स को बताने की ज़रूरत पड़ती है कि आपको पता होना चाहिए कितना पॉल्यूटेड एरिया है, तो उसे कम करने के लिए आप हेल्प करो। तो ये हो गया एयर पॉल्यूशन के बारे में। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एयर एंड देन वी डिस्कस अबाउट एयर पॉल्यूशन। नाउ इट्स अ वाटर, पानी, पानी ये जीवन है। तो ये पानी क्या होता है? पानी सब जगह पे, मीन्स प्लांट को भी लगेगा, एनिमल्स को भी, हम लोग ड्रिंकिंग के लिए हर एक चीज़ में पानी की ज़रूरत पड़ती है। एक्वेटिक एनिमल तो पानी में ही रहते हैं, तो उनका पूरा लाइफ पानी में होता है। तो ये पानी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो पानी बनता कहाँ से? तो सिंपल थिंग है कि हियर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्लस जो हम लोग पानी पीते हैं, देर इज इंक्लूड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स। पानी में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ चेंज इन अ टेस्ट ऑफ वाटर। वाटर का टेस्ट चेंज होता है। जैसे सिंपल थिंग है, आप अगर किसी गांव एरिया में जाते हो, गांव में जाते हैं तो वहाँ पे मोस्टली वो कुएं से पानी, मीन्स बोरवेल वगैरह जो होती है उससे पानी कलेक्ट करते हैं। अब उसे ड्रिंक करके देखो, टेस्ट डिफरेंट आएगा? यस, ये टेस्ट डिफरेंट होगा। कुछ जगह पे पानी कुछ डिफरेंट ही होता है। जैसे मेरे एक फ्रेंड के गांव में एक बोरवेल है, ओके, उसको हैंडपम्प है। वो पूरे गांव में एक ही हैंडपम्प है। अभी तो वहाँ पे जो रिवर है वहाँ पे से पानी डायरेक्ट आ जाता है। ये जो हैंडपम्प है वो बहुत पुराना है और वहाँ पे जो पानी है इतना कूल होता है, मींस दोपहर में भी जाओगे, दोपहर में भी इतनी गर्मी में भी जब पंप करते हैं तो वहाँ से पानी आने वाला बहुत कूल होता है, एकदम ठंडा पानी मिलता है। दूसरी चीज़, ये पानी का टेस्ट और वहाँ के रिवर के पानी का टेस्ट दोनों भी डिफरेंट है। ये थोड़ा मीठा है, क्या है? मीठा है। तो इसमें मिनरल की कमी होगी, मिनरल इसमें कम हो जाएगा, ओके। तो मींस यहाँ पे जो वाटर होता है ना उसमें डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स होते हैं, तभी इट्स चेंज देयर टेस्ट, उसकी टेस्ट चेंज हो जाती है। एज पर देयर एग्जिस्टेंस ऑफ मिनरल्स प्लांट ऑल्सो कंज्यूम देयर वाटर, मीन्स वाटर ये कंज्यूम किया जाता है फ्रॉम द प्लांट एंड उसी टाइप के प्लांट उस जगह पे होंगे, मीन्स जो वाटर उनको सुटेबल होगा वही प्लांट वहाँ पे ग्रो होते हैं, बराबर। जैसे आपने देखा होगा बहुत बार कोस्टल एरिया में नारियल के पेड़ होते हैं, कोकोनट ट्रीज होते हैं, यस। ये कोकोनट ट्रीज जब हम हमारे खेत में लगाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे वो परफेक्टली ग्रो नहीं होते। क्यों? बिकॉज ऑफ
देयर टेक्सचर, उनको जो वाटर ऑब्जर्व करने की आदत है, उनके जो टिश्यूज है वो डिफरेंट है देन द अदर। वही मैंगो का ट्री मैंने लाके बीच पे लगा दिया, बीच के सॉइल पे मैंने मैंगो का ट्री लगा दिया, होगा वो परफेक्ट? नहीं, क्योंकि इन्हें जो वाटर और क्लाइमेट की ज़रूरत है वो डिफरेंट है। बराबर, मीन्स हियर जो वाटर है वो भी बायोटिक फैक्टर के साथ, दैट इज अ लिविंग फैक्टर के साथ उस तरह से कनेक्ट है। जिस तरह से एटमॉस्फेयर कनेक्ट था ना, उसी तरह से ये वाटर भी कनेक्शन होगा। दूसरी चीज, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। हर एक जगह पे टोटल वाटर अवेलेबल नहीं, इक्वल मैनर में वाटर अवेलेबल नहीं। कुछ जगह पे बहुत ज़्यादा है और कुछ जगह पे बहुत कम है। जैसे आप लोग रिवर साइड्स मीन्स ऐसे बेसिन में रहते हो, तो जहाँ पे रिवर लेक पॉन्ड्स है, बारिश अच्छे से हो रही है, तो वहाँ पे वाटर की कमी होगी? नहीं। वही लोग क्या करते हैं, पानी को किसी भी तरह यूज़ करते हैं, धो इधर फेंको उधर फेंको करेंगे। यही चीज़ आप किसी डेजर्ट एरिया में जाके देखो, यहाँ पे वाटर को एक सोने का भाव होता है, मीन्स बहुत प्रेशियस माना जाएगा। ये सिर्फ ड्रिंकिंग करने के लिए, इसके लिए मीन्स जो बहुत इसेंशियल चीज़ है ना, वहीं पे उसको यूज़ किया जाएगा। बराबर, तो यानी जहाँ पे उसका अवेलेबिलिटी है वो डिफरेंट यूज़ हो रहा है, और जहाँ पे स्केयर है या अवेलेबिलिटी बहुत कम है तो वहाँ पे डिफरेंट होगा। जहाँ पे स्केयर रिसोर्सेस है वाटर के, वहाँ के प्लांट भी डिफरेंट होते हैं। डेजर्ट में कैक्टस, बबूल जैसे प्लांट्स होते हैं, दैट इज अ थ्रोनी लीव्स, क्या होते हैं उसमें, थ्रोन्स होते हैं, ओके। एंड जहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है वहाँ पे की प्लांट डिफरेंट होते हैं। मीन्स हियर आई एम गोइंग टू कनेक्ट यू विद द वाटर, ये वाटर का कनेक्शन बता रहा हूँ मैं कि किस तरह से ये वाटर डिफरेंट डिफरेंट होता है। आवर डे टू डे लाइफ में भी हम लोग वाटर को बहुत इम्पॉर्टेंट देते हैं। वाटर सुबह उठकर मुंह धोने से स्टार्ट होता है उसका यूज़ टिल द नाइट व्हेन वी आर ब्रशिंग, ब्रश करके हम लोग सोते हैं तब तक वाटर हम लोग कंटिन्यू यूज़ करते हैं। लगता ही है बॉडी को अप्रॉक्सीमेट 3 से 3.5 लीटर पानी हर दिन की ज़रूरत होती है। कितना? 3 to 3.5 or 4 liter पानी ज़रूरत होती है। इट्स डिपेंड ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। जहाँ पे बहुत ठंडी होती है वहाँ पे वाटर बहुत कम लगेगा, बट बहुत गर्मी होती है, बहुत वर्किंग होता है, जहाँ पे जिस तरह से मैं अभी यहाँ पे बात कर रहा हूँ, बहुत बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज मेरा थ्रोट क्या हो जाता है, सूख जाता है, बिकॉज एयर जो अंदर बाहर कर रही है ना, वो वाटर वेपर लेके चली जा रही है, और वो इस वजह से मुझे पानी की ज़रूरत पड़ती है। बराबर, मीन्स हर एक जगह पे मुझे वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। चलो, तो अभी इसका इम्पोर्टेंस मैंने बता दिया, नाउ हियर इज योर लेसन, दैट इज वाटर। अब यहाँ पे जो चार्ट दिया है ना, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अपना बाथिंग के लिए कम से कम एक बाल्टी आप यूज़ करते हो। चलो, तो ये बाल्टी, एक जो बकेट होती है वो कितनी होती है, एक 25 लीटर की तो होगी। चलो अंदाज़ा लेते हैं, यहाँ पे हो गया 25 liters। ओके, 25 liters मैंने यहाँ पे यूज़ किया। ब्रशिंग के लिए 0.5 liter, ओके। वॉशिंग क्लोथ के लिए भी सबसे ज़्यादा पानी लगता है, तो मैं यहाँ पे एक आदमी की
कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक 10 लीटर पकड़ लेता हूँ एक आदमी के लिए एंड यूटेंसिल्स में। मॉपिंग ऑफ फ्लोर एंड मॉपिंग ऑफ फ्लोर, तो ये भी 10 लीटर हो गया। ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, तो ड्रिंकिंग वाटर में मेरे पास मैं लिया 3.5 लीटर, क्योंकि मुझे पानी बहुत ज़्यादा लगता है तो मैंने यह लिया 3.5 लीटर। और कुकिंग के लिए मेरे पास कम से कम 5 लीटर होना चाहिए। तो मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ, तो चलो 25, 35, 45 हो गया, 45 और 49 मीन्स ये अप्रॉक्सीमेट हो गया 54 लीटर। ये अप्रॉक्सीमेट कितना हुआ, 54 लीटर। ये मिनिमम वाटर एक आदमी को लग रहा है, मिनिमम है, कम से कम। अब बाथिंग के लिए, आप लोग बाथिंग के लिए 25 लीटर लेते हो, नहीं उससे ज़्यादा। शॉवर स्टार्ट कर दिया, फिर हो गए स्टार्ट। आज तो आजकल तो हमारे घर में भी बॉडी शॉवर्स है। बॉडी शॉवर क्या होते हैं, 1, 2, 3 चारे बाजू से पानी आ रहा है। केबिन्स होते हैं, शॉवर केबिन्स, वो पूरे एक साइड एक चालू करते ही पूरे प्रेशर में पानी आना स्टार्ट होता है। तो ये बॉडी शॉवर्स होते हैं, तो वो भी इससे ज़्यादा पानी लेते हैं। बाथ टब होता है, तो बाथ टब में भी सबसे ज़्यादा पानी, इतना बड़ा बाथ टब होता है, वो 100 लीटर तो एक ही टाइम पे ले लेगा। ओके, तो यहाँ पे वी आर यूजिंग अप्रॉक्सीमेट 54 मीन्स। ये WHO का एक मानना है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि हर एक इंसान को मिनिमम 50 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। दिन में कितना, 50 लीटर। अब अंदाज़ा लगा दो कि हमारे पास पॉपुलेशन कितना है और पानी कितना होना चाहिए। सिर्फ उतना ही अंदाज़ा लगा लो कि 50 लीटर एक आदमी को, तो आपके घर में समझो 4 आदमी है, तो यहाँ पे कितने हो गए, 200 लीटर। तो 200 लीटर में आपका काम हो रहा है क्या, नहीं, क्योंकि आपके बंगले के ऊपर का टैंक ही 2000 लीटर का है। कितने लीटर का है, 2000 लीटर का है। और ये 2000 लीटर का टैंक आप हर दिन भरते हो, बराबर, यानी आप लोग यूज़ कितना कर रहे हो, अप्रॉक्सीमेट 1500 लीटर पानी यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे एक्सेस यूज है, यस। चलो, नाउ कम टू योर टॉपिक। अब इसको डिवाइड कर दो पर पर्सन के हिसाब से, या पर पर्सन के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, यू कैन इजीली एनालाइज। यू विल सी दैट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द स्पेंड इवन सिंगल डे विदाउट वाटर, एक भी दिन विदाउट पानी के बिना नहीं रह सकते। यू नीड टू ड्रिंक फॉर 4 लीटर वाटर एवरी डे फॉर ऑल द बॉडी फंक्शंस। 4 लीटर बॉडी में पानी होना चाहिए, क्यों, अप्रॉक्सीमेट 90% वाटर हमारे ब्लड में ही है। ब्लड ये 90% कंटेंट है, पूरा ह्यूमन ऑर्गेनिज्म अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज से निकालोगे तो ये 70% वाटर होता है। ह्यूमन ऑर्गेनिज्म में पूरा 70% वाटर है। अब पसीना जा रहा है, यूरिन जा रहा है, एक्सक्रेशंस हो रहा है, बात करते वक्त वाटर वेपर बाहर जाते हैं, अब इससे पानी कम हो गया और फिर इसे मुझे रिफिल करना है। तो ये ड्रिंकिंग वाटर होता है ना, ये क्या करता है, रिफिलिंग का काम करता है। ड्रिंकिंग वाटर क्या करेगा, रिफिलिंग का काम करेगा। रिफिलिंग फॉर डाइजेशन, डाइजेशन करने के लिए। दूसरा, न्यूट्रिशंस प्रोसेस, हमारे बॉडी में जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं ना, वो फ्लो करने के लिए, दैट इज़ अ ब्लड में। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, वाटर की ज़रूरत पड़ती है। अदर लिविंग थिंग्स ऑल्सो रिक्वायर वाटर, ऑल द अमाउंट ऑफ वाटर
दे नीड मे वेरी अकॉर्डिंग टू साइज। जैसे जो चूहा होगा, रैट होता है, उसको वाटर का कंजम्पशन बहुत छोटा होगा। हाथी एक ही टाइम पे 100 लीटर 150 लीटर तो पी जाता होगा क्योंकि उसको ज़रूरत है, बराबर। तो ये एज पर द साइज ऑफ एनिमल, एज पर द साइज ऑफ एनिमल दे नीड अ वाटर। इवन प्लांट ऑल्सो नीड अ वाटर, कंटिन्यूस वाटर लगता है उनको। प्लांट को तो हम तो 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद पानी पीते हैं, पर प्लांट को कंटिन्यूस वाटर ऑब्जॉर्प्शन चलता है। क्यों? बिकॉज प्लांट गेटिंग देयर फूड फ्रॉम द वाटर, वाटर से ही वो अपने फूड को लेते। दूसरी चीज, प्लांट कहाँ पे खड़े? धूप में। तो इस धूप के वजह से, गर्मी के वजह से प्लांट अपने बॉडी की हीट को मेंटेन करने के लिए वेपराइजेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। ये ट्रांसपिरेशन क्या करेगा? वाटर को वेपराइज करते रहता है। ओके, पर सिर्फ वाटर जाएगा, मिनरल जाएंगे क्या? नहीं। मिनरल से क्या करेंगे? ये खाना बनाते हैं। कौन? प्लांट्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, तो ये बनाते हैं, बराबर। तो यानी वाटर उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। दस वी सी दैट वाटर इज वेरी इम्पॉर्टेंट। इफ द हाइड्रोजन गैस बर्न इन द एयर, इट कंबाइन विद द ऑक्सीजन एंड वाटर इज फॉर्म। वाटर किससे बनता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है। वी हैव लर्न अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर दैट प्रीवियस स्टैंडर्ड, पहले भी हम लोग ने इसके बारे में देखा है। अभी सिंपल थिंग है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है? बर्न हो रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है? सपोर्ट करता है बर्न को, और इससे बन जाता है वाटर। ये वाटर बनने के बाद ये यूज किया जाता है आग को बुझाने के लिए। क्या करते हैं इसको? आग बुझाने के लिए यूज करते हैं, जबकि हाइड्रोजन खुद जलता है, खुद जल सकता है, ऑक्सीजन जलने को सपोर्ट दे सकता है। अब ये दो दोस्त मिल जाते हैं एंड मेक द केमिकल प्रॉपर्टी विच इज चेंज देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, उनकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी को ही चेंज कर देता है। एंड ये एक्सटिंग्विशर का काम करेंगे, मीन्स जहाँ पे भी आग लगती है हम लोग वहाँ पे पानी डाल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या थे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले गैशियस में है एंड नाउ देयर इज इन लिक्विड फॉर्म। इन्होंने क्या कर दिया? अपना स्टेट चेंज कर दिया, दैट इज लिक्विड फॉर्म। चल, नेचर ऑफ वाटर अकर्स इन द 3 फॉर्म्स, दैट इज वेयर वाटर डज नॉट हैव अ कलर टेस्ट एंड ऑर्डर। प्योर वाटर, प्योर वाटर को टेस्ट कलर वगैरह नहीं होता। द सब्सटेंस रिली डिजॉल्व इन अ वाटर एंड देयर फोर वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कोई भी बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। शुगर डाल दो, डिजॉल्व होगी? यस। शरबत डिजॉल्व हो गया? यस। तो ये जो वाटर ऐसा सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है, विच इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। एसिड भी इसमें डिजॉल्व हो जाता है, वाटर में एसिड भी डिजॉल्व हो जाता है। तो ये हो गया यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। व्हाई? बिकॉज मेनी सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन अ वाटर, मेनी सब्सटेंस, मेनी नेचुरल सब्सटेंस आर डिजॉल्व इन अ वाटर, तो ये हो जाते हैं। ब्लड ऑफ एनिमल एंड द सैप ऑफ प्लांट कंटेंट वेरी हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। ब्लड एंड सैप, ये किसमें? प्लांट में होता है, तो यहाँ पे हाई कंटेंट ऑफ वाटर, वाटर होता ही है। लिविंग थिंग्स सर्वाइव विदाउट वाटर? नो, इट्स नीड
अ वाटर, लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स विदाउट वाटर नहीं रख सकता. सो दैट्स कॉल्ड द वाटर इज अ लाइफ. वाटर ये लाइफ है. जैसे पहले ही मैंने बताया स्टार्टिंग में, पानी जीवन है. क्या है? पानी जीवन है. यही जीना है तो पानी चाहिए. विदाउट वाटर वी कांट सर्वाइव. हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते. एक्सेस वाटर में रह सकते? नहीं. हम लोग एक्वेटिक है क्या? नहीं है. तो एक्वेटिक एनिमल को भी क्या चाहिए? पानी चाहिए. सर्वाइव होने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए. तो ये हमें मिला. पहला मिला एरियल, दैट इज अ एयर. दूसरा आ गए हम लोग कहाँ पे? वाटर पे. नाउ हियर इज अ प्रोपोर्शन ऑफ वाटर. जैसे मैंने पहले ही बताया था कि दैट इज सी वाटर. ये जो सी वाटर है ना, पानी सबसे ज्यादा इसी में है. कहाँ पे? ओशन में. ओशन में सबसे ज्यादा, क्योंकि लैंड प्रोपोर्शन और सी प्रोपोर्शन. ओशन प्रोपोर्शन कितना था हम लोग ने देखा पाई चार्ट में, 71%, और लैंड कितनी है? 29%. ये सी पोर्शन मींस वाटर पोर्शन, ये 100% में से अप्रॉक्सीमेट इट्स 99% और 98% ये ओशन में पानी है. ओनली 1% वाटर ये बाहर और ग्राउंड वाटर में मौजूद है. रिवर वगैरह इसमें ओनली 1% वाटर है. ओके, तो अप्रॉक्सीमेट अप्रॉक्सीमेट 95-96% है. देन जो ये है स्नो, स्नो में अप्रॉक्सीमेट 2.5-3% ये स्नो में. अभी तो वो स्नो भी पिघलने लगे तो वाटर का लेवल यहाँ पे भी बढ़ने लगा है. एंड ड्रिंकिंग वाटर ये 0.3% है. 0.3% जो बहुत कम है. मींस ये जो पूरा पाई चार्ट है ना, इसमें से सिर्फ ये जो ग्रीन लाइन है इतना ही ड्रिंकिंग वाटर है. पीने लायक पानी उतना ही है. पॉपुलेशन कितना है? बहुत बड़ा. बाकी के एनिमल के मुकाबले ह्यूमन पॉपुलेशन कितना है वही सोचो. तो ये इसके ऊपर सिर्फ जी रहे हैं. किसके ऊपर? ये ड्रिंकिंग वाटर. अब ये ड्रिंकिंग वाटर में कंपटीशन कौन कौन है? प्लांट, एनिमल सब है. ग्राउंड वाटर में, आइस वाटर में बहुत कम कंपटीशन है. बहुत कम. प्लांट जो बहुत रूट नीचे जाते हैं वो ग्राउंड वाटर कंज्यूम कर पाते हैं. ओके, एंड इवन एनिमल तो ग्राउंड वाटर में चले नहीं जाएंगे. ह्यूमन बींग्स ये पंप वगैरह जो उसकी यहाँ पे जो टेक्निक है ना, उससे वो पंपिंग करता है और उससे उसे क्या मिलता है? ग्राउंड वाटर को वो कंज्यूम कर सकता है. ओके, चल. तो यहाँ पे मिला सी ओशन 97%. इट्स अ ग्राउंड वाटर. ये क्या है? ग्राउंड वाटर नहीं, सॉरी, ग्राउंड वाटर नहीं, ये है आइस. एंड वाटर और ड्रिंकिंग ये 0.3%, ये ड्रिंकिंग वाटर है. तो ये हो गया 100% कंप्लीट. वी कांट यूज द वाटर ऑन अर्थ बिकॉज सी वाटर इज अ सॉल्टी. इट्स अ सी वाटर. कैसे होता है? सॉल्टी, जो हम लोग पी नहीं सकते. ग्राउंड वाटर बहुत नीचे. दूसरा फ्रोजन है, फ्रोजन वाटर आइस में, तो उसे भी डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि वो खाते ही पूरा ये जो अपना जो पैरेंक्स है, इसोफोगस है, मींस जो फूड पाइप है वो फ्रीज हो जाएगा, जाम हो जाएगा और दे विल डैमेज. ये जो आइस होता है ना, आइस ये हमारे टिश्यूज को मार देता है.
टिश्यूज को मार देता है. हर एक सेल में वाटर कंटेंट होता है और बिकॉज ऑफ द आइस दिस वाटर कंटेंट फ्रीज, और जैसे फ्रीज हो जाएगा सेल मर जाएंगे. क्या हो जाएगा? सेल्स है ना, वो मर जाएंगे. मीन्स इट्स डैमेज द टिश्यू. यस, तो उसे भी खा नहीं सकते. वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग इन द लिविंग थिंग्स. तो हियर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, फॉर विच पर्पज द वाटर इज बींग यूज. अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के लिए वाटर यूज कर रहे हैं. ड्रिंकिंग, वॉशिंग, इंडस्ट्रीज, सब के लिए हम लोग यूज करें. जैसे यहाँ पे एक पिक्चर है, तो यहाँ पे डैम से पानी आ रहा है. दिस इज अ ड्रिंकिंग वाटर. ओके, चलो एक यहाँ पे सर्कल कर देते हैं. ये हो गया ड्रिंकिंग के लिए, ये क्या हो गया ड्रिंकिंग के लिए. दिस इज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू द दिस विलेज. विलेज को सप्लाई किया जाएगा, तो ये ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं. हियर अनदर थिंग्स देर इज इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज ऑल्सो ऑब्जर्व या सकिंग वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स. नेक्स्ट, एग्रीकल्चर सेक्टर्स एंड द फार्म हाउस ऑल्सो नीड अ वाटर. एग्रीकल्चर सेक्टर्स ऑल्सो नीड अ वाटर फॉर इरीगेशन फ्रॉम द सेम सोर्स. नेक्स्ट, देयर आर सम पीपल्स आर वॉशिंग वॉशिंग देयर क्लोथ्स ड्रिंकिंग वाटर एंड दे आर स्विमिंग. तो ये भी इसी में ही हो रहा है. मीन्स ये एक पानी वाटर, ये ऐसी चीज़ है कि हर एक जगह पे यूज़ होती है. हम लोग पीने के लिए भी पानी यूज़ करते हैं, हाथ धोने के लिए भी पानी यूज़ करते हो. जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, दिन में 10 बार हाथ धो, यहाँ वहाँ हाथ लगा धो. अब ये पानी यूज़ करते हैं. अब जो ये पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना विद द सोप, किसके साथ? साबुन के साथ, सोप के साथ. ये सोप क्या है? इज इट अ नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स ऑफ अ वाटर? वाटर का ये इन्ग्रीडियंट्स है क्या? नहीं. नो, देर इज नॉट अ नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स ऑफ वाटर. वाटर का ये इन्ग्रीडियंट्स नहीं है. तो हियर इज वी क्रिएट अ पॉल्यूशन. हम लोग क्या क्रिएट कर रहे हैं? पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. बराबर, वाटर को हम लोग पॉल्यूट करते हैं. ओके, तो चलो हियर इज, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हम लोग ने देख ली ना. वी यूज वाटर लार्ज क्वांटिटी एंड द वाटर इज अ अर्थ एंड द रेगुलेट थ्रू द वाटर साइकिल. जो वाटर साइकिल होता है, मीन्स यहाँ पे जो पानी आ रहा है रिवर से, वो कहाँ से आएगा? बिकॉज ऑफ द वाटर साइकिल. वॉट इज अ वाटर साइकिल? वाटर साइकिल कैसे होता है? तो सिंपल थिंग है, ओशन. बिकॉज ऑफ द ओशन, ओशन के वजह से, समझो इट्स अ सी. दिस इज अ लैंड एरिया. ओके, अब ओशन से जब वेपराइजेशन स्टार्ट होगा बिकॉज ऑफ सन, सन से क्या हुआ? वेपराइजेशन स्टार्ट हुआ एंड हियर इज अ वाटर वेपर एंड क्रिएट अ क्लाउड. क्या कर दिए? क्लाउड क्रिएट कर दिए. एंड दिस क्लाउड्स आर ट्रांसफर बिकॉज ऑफ द एयर ऑन अ ग्राउंड लेवल. ये ग्राउंड के ऊपर ये क्लाउड्स आ गए. ग्राउंड के ऊपर आते ही यहाँ पे उनको कूल इफेक्ट मिलेगा एंड देयर स्टार्ट रेनिंग.
ये रेन्स पहाड़ों में या जंगलों में या किसी भी एरिया में होगा एंड इट्स क्रिएट अ फ्लो। ये क्या क्रिएट कर दिया, उसने फ्लो कर दिया, वाटर रिवर लेक उसमें से फ्लो होना स्टार्ट होगा। वाटर ऑलवेज फ्लो टूवर्ड्स द लोअर अल्टीट्यूड। वाटर कहाँ पे चला जाएगा, लोअर अल्टीट्यूड, नीचे की तरफ बहता है। वाटर कभी ऊपर की तरफ जाएगा, पहाड़ों के ऊपर जाएगा और ऊपर से देखता हूँ भाई कौन कौन है, नहीं, ऊपर से वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे वाटर फ्लो होगा ओशन में, तो फिर से आ गया सी में। एंड दिस इज अ वाटर साइकिल। ये क्या है, वाटर साइकिल है, ओके, ये नेचुरल सिंपल वाटर साइकिल है। एंड देयर आर द डिफरेंट वाटर साइकिल्स ऑल्सो, जैसे आप लोग और बड़े बड़े स्टैंडर्ड में आगे बढ़ते रहोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट साइकिल्स पता चलने वाले हैं। तो हियर इज अ वाटर साइकिल। वाटर बॉडी से वेपराइजेशन होगा, वेपराइजेशन से बनेगा क्लाउड्स, क्लाउड्स होते हियर विंड्स ऑल्सो सपोर्ट दैट क्लाउड्स फॉर फ्लोइंग हियर एंड देयर, एंड दिस फ्लोइंग्स के वजह से यहाँ पे कुछ एरियाज में कूल इफेक्ट क्रिएट होता है। एंड दिस कूल इफेक्ट के वजह से दैट इज क्लाउड्स गोइंग ऑन द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। और ये कंडेंसेशन क्या होगा, जो वाटर वेपर दूर दूर थे ना वो नज़दीक आ जाएंगे एंड दे क्रिएट द ड्रॉपलेट। क्या होगा, ड्रॉपलेट क्रिएट होगा और नीचे गिर जाएगा। एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ, घर पे बैठे हो आराम से, वेरी गुड। एक ग्लास में पानी ले लो, एक ग्लास में क्या लो, पानी लो, ओके, वेपर नहीं चाहिए हमें, पानी चाहिए। अब पानी लिया, पानी में तीन आइस क्यूब डाल दो, थोड़ा ही पानी लेना नहीं तो पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा, ओके। मैंने उसमें आइस क्यूब डाल दिए, अब क्या हुआ, पानी ठंडा होने लगा। बाहर का टेम्परेचर, योर रूम टेम्परेचर इज नॉर्मल टेम्परेचर है और पानी का टेम्परेचर कोल्ड हो गया। अब ग्लास के बाहर के साइड में कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देते, क्या होते, बाहर के आउटर लेयर पे कुछ ड्रॉपलेट्स दिखाई देते, वाटर ड्रॉपलेट। ये कहाँ से आ गए भाई, पानी के बाहर उछल के आ गया, नहीं ना, पानी अंदर से उछल के बाहर आता है क्या, नहीं, तो ये कहाँ से आ गए। तो दिस इज एटमोसफियर, दैट इज एयर हैविंग अ वाटर वेपर। एयर में वाटर वेपर होता है एंड बिकॉज ऑफ दैट दिस इज प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कूलिंग इफेक्ट के वजह से ये वाटर वेपर उसके पास आकर ठंडे हो गए और ड्रॉप में कन्वर्ट हो गए। एंड हियर इज अ वाटर, ये धीरे धीरे नीचे आने लगेगा और आपके टेबल के ऊपर पानी हो जाएगा। बराबर, पानी हो जाएगी ना टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर आपके पानी होगा। तो ये कहाँ से आ गया भाई, मैंने तो पानी गिराया नहीं, कहीं से डाला नहीं। तो दिस इज वाटर वेपर एग्जिस्ट इन अ एयर। तो ये वाटर वेपर जब ऊपर जाते हैं तो वो कूल हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन ये कूलिंग इफेक्ट ही उसे क्या कर देगा, ठंडा कर देगा। और ये ठंडे के वजह से वो नीचे बरसना स्टार्ट करेंगे। क्लियर, नीचे बरसा, रेन हो गई और ये रेन ही इसी नदी में आने वाली है, फ्लो होगा टूवर्ड्स द ओशन, हायर अल्टीट्यूड टू लोअर अल्टीट्यूड। तो ये फ्लो होगा और यहाँ से जो फ्लो होगा वहाँ पे ये रिवर बन जाती है। अब ये रिवर का पानी, ये रेन का जो पानी होता है, बिकॉज ऑफ द ट्रीज के वजह से पानी नीचे की तरफ ग्राउंड वाटर में पेनिट्रेट होता है। कहाँ पे चला जाएगा, ग्राउंड वाटर में। कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमारे ज़मीन में होल्स ड्रिल्स बनाते हैं और उसमें रहते हैं, तो उसमें भी ये पानी भर जाता है और वो धीरे धीरे नीचे चला जाएगा।
दैट इज आवर ग्राउंड वाटर, दैट इज आवर ग्राउंड वाटर। और इसी तरह से हमारे पास ये ग्राउंड वाटर भी क्रिएट होता है, ग्राउंड वाटर भी क्रिएट होगा। वी गेट वाटर फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, स्ट्रीम्स, रिवर्स एंड पॉन्ड स्प्रिंग्स। मैन ऑल्सो डिग्स वेल्स एंड बोरवेल्स एंड द लिफ्ट द ग्राउंड वाटर। बोरवेल्स एंड वेल्स से ही हमें ग्राउंड वाटर मिलेगा। ग्राउंड के अंदर हम लोग डिग करते ना, ड्रिल करते, तो यही से पानी हमें मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट डैम, ऊपर के साइड में पहाड़ों में जहाँ से रिवर बहती है वहाँ पे हम लोग डैम बना देते और वाटर को रिजर्व कर देते, स्टोर कर देते। एंड हियर वी कैन यूज दिस वाटर पूरे साल तक, होल ईयर, टोटल ईयर तक हम लोग उसको पानी धीरे 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 छोड़ के यूज़ कर सकते हैं। ड्यू टू द अनकंट्रोल यूज़ ऑफ वाटर फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंडस्ट्री, फार्मिंग नाउ शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर एंड दैट इज द स्केयरसिटी ऑफ वाटर, दैट इज अ स्केयरसिटी। शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर मीन्स स्केयरसिटी ऑफ वाटर, वाटर की स्केयरसिटी होने लगी है एंड दिस इज वेरी बिग प्रॉब्लम एंड दिस इज बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर। ये एग्रीकल्चर बढ़ते जा रहा है। अब ये एग्रीकल्चर बढ़ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ना, ये किस कारण के वजह से हो रहा है? शेर चीते तो काम नहीं कर रहे, हाथी काम कर रहा है क्या इंडस्ट्री में आके? नहीं, शेर काम कर रहा है नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो नेचुरली जीता है। ह्यूमन बीइंग है जिसने अपना पॉपुलेशन बढ़ा के रखा है एंड बिकॉज ऑफ दैट ही नीड मोर टू वर्क, वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट करते 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 नेचुरल को डिग्रेड कर रहे हैं, खुद को डेवलप करते करते नेचर को डिग्रेड करते जा रहे हैं। चलो, वाटर यूज स्प्रिंगली, ब्लॉक वाटर लेट टू प्रिकोलेट, अंदर जाने दो। स्टोर वाटर वेयर इन यू पॉसिबल, जहाँ पे भी स्टोर कर सकते हो उसको स्टोर करो। रीयूज वाटर व्हेन इट इज पॉसिबल, वाटर को रीयूज करना सीखो। तो ये हमें क्या देगा? वाटर को एक जस्टिफाइली मीन्स परफेक्टली यूज करने का तरीका उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो हियर वी कंप्लीट द वाटर एंड देर इज सम वाटर पोल्यूशंस, वाटर पोल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, हम लोग जो पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं ना, इसके वजह से भी ग्राउंड वाटर में वो केमिकल चला जाता है, पोल्यूशन होगा, यस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इवन लैंड पोल्यूशन के वजह से भी वाटर पोल्यूट हो जाता है। बहुत सारे लोग गंदगी जो होती है ना वो वाटर में फ्लो कर देते हैं। क्या करते हैं? वाटर में फ्लो कर देते हैं। क्यों? वो आगे चला जाएगा। मेरे पास, मेरे घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए, दूसरे के घर में हो गई चलेगा, मेरे घर में। दिस इज अ सेल्फिशनेस के वजह से पोल्यूशन और बढ़ते जा रहा है। हम लोग सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं और इस वजह से पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो हमें पूरे नेचर के बारे में सोचना है। नेचर के बारे में सोचोगे दैट टाइम नेचर विल थिंक अबाउट यू। ओके, चलो, नाउ इट्स नेक्स्ट इज अ लैंड, हम लोग अभी देखने वाले लैंड के बारे में। चलो, तो अभी क्या देख रहे हैं हम लोग? लैंड के बारे में देखेंगे। लैंड इट इज अ बेसिक रिसोर्स, जो जमीन है ना हमारी, वो सबसे बेसिक रिसोर्स है जहाँ पे हम लोग खड़े रहते हैं, बराबर। वी कैन स्टैंड, प्लांट कैन स्टैंड, एनिमल्स कैन मूव, ये सारी चीज़ें जो मूवमेंट वगैरह सब कुछ ये लैंड दे रही है। लैंड्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स हैं। लैंड्स बनती किससे? सॉइल से। सॉइल किससे हुआ? रॉक से। रॉक में क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स। हियर दीज मिनरल्स आर ऑब्जर्व बाई द प्लांट्स,
मिनरल्स क्या करेंगे, ये मिनरल्स ऑब्जर्व किए जाते बाय द प्लांट्स, प्लांट्स उसको ऑब्जर्व करते, दे फॉर्म देयर फ्रूट्स और फूड एंड दैट फ्रूट एंड फूड वी ईट, मीन्स हम लोग वही लैंड से निकले हुए मिनरल्स को कंज्यूम करते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट होगा, मीन्स हमें पेट भरने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी लेने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, और ये फूड देने का काम इस ये ज़मीन करती है। तो ये ज़मीन को हम लोग अपनी मदर की तरह मानते हैं, क्या होती है, हमारी माँ होती है, क्यों, बिकॉज ये सब कुछ हमें दे रही है। इवन आपका घर बनता है तो घर किसके वजह से बनता है, दैट इज द स्टोन एंड बाकी प्रोडक्ट्स, मीन्स सीमेंट, मिट्टी, ये सारी चीज़ों से हम लोग घर बना रहे। उसकी छत के ऊपर क्या यूज़ कर रहे, प्लांट्स यूज़ करते हैं, प्लांट्स के जो वुड होते हैं, प्लैंक होते हैं, वो यूज़ करते हैं। तो ये भी किसने दिया, सॉइल ने दिया, इस मिट्टी ने दी। तो ये सारी चीज़ों के वजह से लैंड का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा होगा। इवन वाटर कैन नॉट स्टोर, ये इतना वाटर ये हवा में स्टोर नहीं हो सकता, एटमॉस्फेयर में स्टोर नहीं होगा, कहाँ पे होगा, लैंड में स्टोर होता है। ओके, तो ये अर्थ ये जो लैंड का एक पार्ट है, ये लैंड सॉइल से बनी हुई है और यहाँ पे ये सब सारे वाटर, ये एटमॉस्फेयर सब क्रिएट हुआ है। मींस बेसिक थिंग्स क्या आ गया, लिथोस्फीयर, ये लिथोस्फीयर लैंड ये यहाँ पे आ गई। ओके, तो यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस होने के बाद भी लैंड हमारे पास कितनी है, 29%, कितनी है, 29% एज पर द रेशो ऑफ वाटर, वाटर और इसका रेशो पकड़े तो ये सिर्फ 29% है, पॉपुलेशन बहुत है, तो इट इज़ ऑल्सो सफिशियंट फॉर अस, बट ग्रोइंग पॉपुलेशन के वजह से वी डिस्ट्रॉय द लैंड, लैंड को भी हम लोग डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया है, उसके टेक्सचर को भी हम लोग चेंज कर रहे हैं। लेट्स सी इन दिस लेसन, दैट इज व्हाट इज अ मैन, लैंड इज मेड अप ऑफ, लैंड मेड अप ऑफ सॉइल, मिनरल्स, इज अ लैंड इज अ फ्लैट एवरीवेयर, नो देर इज नो फ्लैट, देर इज अ अनइवन, कहीं पे ट्रेंच है, खाई है, कहीं पे पहाड़ है, कोई इस तरह से होते हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे फॉरेस्ट है, तो ये डिफरेंट है। डू यू सी द ऑन द लैंड, व्हाट डू यू सी ऑन अ लैंड, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, प्लांट्स, वाटर बॉडीज, यह हमें लैंड्स के ऊपर दिखते हैं। डू डज द मैन प्रोड्यूस सॉइल और लैंड, नो मैन कैन नॉट मेक सॉइल और लैंड, हम लोग नहीं बना सकते, इट्स नॉट अ मैन मेड। व्हाट इज मैन क्रिएट अ लैंड, व्हाट हैज मैन क्रिएट ऑन लैंड, मैन ने क्या क्या क्रिएट किया है लैंड के ऊपर, इंडस्ट्रीज, हाउसेस, सब कुछ इस लैंड के ऊपर ही होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, अगर इसे हम लोग खोदते डिगिंग करते तो लैंड ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर में हमें दिखाई देगी। क्या होता है, लैंड डिफरेंट लेयर, ये जो सॉइल होती है ना, सॉइल, ये लैंड है, ये सॉइल है, ये फॉर्म होने के लिए एक 2 इंच का एक लेयर फॉर्म होने के लिए हजारों साल लगते हैं, कितने हजारों साल लगेंगे। तो ये क्यों होते हैं, मिट्टी की कैसे क्रिएट होती है, फ्रॉम द रॉक, रॉक का इरोजन होता है। ओके, बिकॉज ऑफ द वेदरिंग कंडीशन, वेदरिंग कंडीशन में कौन हो गए, हेयर इज अ विंड एंड वाटर, विंड एंड वाटर उसको फ्रिक्शन करते हैं, घिस घिस के उसमें से मिट्टी के कण निकलते हैं और यही सॉइल होती है, यही क्या होती है, सॉइल होती है। लैंड इज सीन इन द फॉर्म ऑफ स्टोन सॉइल बिग रॉक्स एंड इट इज नॉट अ फ्लैट एवरीवेयर, इट इज अ हिली सम प्लेसेस एंड फ्लैट अदर, ऑल टेरिस्टेरियल एनिमल्स आर ऑन द लैंड, दैट इज
सम टेरिस्टेरियल डिग बो इन अ ग्राउंड इन अ शेल्टर, कुछ टेरिस्टेरियल बिल बना के उसके अंदर भी रहते हैं. ओके, तो लैंड इतने इम्पोर्टेंट है. दैट मीन्स दे यूज फॉर लैंड फिलिंग द नीड्स, वी ऑल्सो लैंड फार्मिंग एंड बिल्डिंग द हाउसेस, फार्मिंग एग्रीकल्चर बिल्डिंग्स घर बनाने के लिए सब जगह पे हमें लैंड की ज़रूरत पड़ती है. वी मेक यूज़ द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट एंड ग्रो द लैंड एंड द मिनरल्स क्रूड ऑयल्स नेचुरल गैस. ये सारी चीज़ें मिनरल्स नेचुरल गैस ये भी हमें लैंड से ही मिलता है. कोल माइनिंग्स होती है, सुना है ना कोल, ये सारे. डायमंड भी हमें इसी से मिल रहा है, गोल्ड भी हमें इसी से मिल रहा है, बराबर. तो ये सारी प्रेशियस मेटल्स भी कौन दे रहा है, लैंड. ये सॉइल ही हमें प्रोवाइड करती है. तो ये सारी चीज़ें, इट मीन्स लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस. दैट इज वाई डेड और गिव रीजन में पूछा जा सकता है. देर इज अ लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस. तो इस रिसोर्सेस का आंसर ये पूरा होगा कि लैंड आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रही है, लैंड क्या क्या प्रोवाइड करती है. तो ये प्रोवाइड की लिस्ट बना दो एंड दैट्स वाई लैंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस. तो ये हमारे पास आ गया. दिस इज अ टेक्सचर, ये एक सॉइल का टेक्सचर है. जैसे आपने कहीं पे डिगिंग करते हुए देखा होगा, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि लेयर होते हैं सॉइल में, क्या होते हैं लेयर होते हैं. रोड का काम चल रहा है या कहीं पे कुआं खोदा जा रहा है, कुआं खोदते ना वेल, वहाँ पे जाके देखिए तो वहाँ पे आपको दिखेगा सॉइल डिफरेंट, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिल रही है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है सॉइल के और ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हमें अवेलेबल होती है. बिकॉज ये सॉइल्स या मिट्टी का कलर किसके ऊपर डिपेंड होता है, देर इज रॉक बेड, जो रॉक होते हैं वहाँ पे उसके ऊपर ये डिपेंड होता है. सबसे ऊपर का जो लेयर है दैट इज ड्राई लीव्स, दैट इज ह्यूमस. ये क्या होता है, ह्यूमस क्रिएट करता है. मींस क्या, ये जो ड्राई लीव्स होते हैं या डेड एनिमल्स होते हैं वो ज़मीन के ऊपर के लेयर में. अब यहाँ पे बैक्टीरियाज होते हैं जो उसको डिग्रेड करते हैं. ये डिग्रेडेशन क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करके पकड़ के रखता है फॉर द सॉइल और ये धीरे 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 वाटर इसमें पेनिट्रेट होता है. जो वाटर फ्लो होने वाला है वो यहाँ पे होल्ड हो जाता है और इट्स अ ह्यूमस. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फॉर मैन्योर्स, ये मैन्योर्स क्रिएट करते हैं. नेक्स्ट सॉइल, एक सॉइल का लेयर होता है जो रॉक के इरोजन के वजह से ये क्रिएट हो गया. देन हियर इज अनदर इज अ सैंड, जो थोड़ी जाड़ी होगी, मीन्स यहाँ पे छोटे छोटे पेबल्स वगैरह ऐसे होंगे. नेक्स्ट इज अ स्मॉल स्टोन एंड द बिग स्टोन्स, मीन्स अगर इसको मैं उल्टा लेके जाऊँ ऊपर की तरफ तो रॉक थे, रॉक टूट गए छोटे स्टोन में, छोटे स्टोन और टूटे किस में, एकदम बारीक स्टोन में, बारीक स्टोन से ये हो गए और एकदम स्लिट सॉइल हो गए, एकदम छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल हो गए और ये हो गए एक सॉइल बन गई. सॉइल के ऊपर ये क्रिएट हो गया ड्राई लीव्स और पत्तों का और ऑर्गेनिक मटेरियल के वजह से क्रिएट हुआ एक लेयर एंड दैट्स कॉल्ड द ह्यूमस. तो ये होता है ह्यूमस. चलो अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बॉटल बैटल एंड ये यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है, क्या करना है ऑब्जर्व करना है, इस तरह से आपको ये कलेक्ट करना है और देर इज अ डिफरेंट डिफरेंट लेयर जो मैंने आपको यहाँ पे बताए. लैंड ऑन द अर्थ ऑल्सो लुक लाइक दिस, आप उसे खोदोगे ना, डिगिंग होता है ना, वहां पे इसी तरह की लैंड आपको मिलेगी. सबसे नीचे क्या मिलेगा, रॉक बेड. तो बिल्डिंग्स वगैरह जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, तो ये डिगिंग करते हैं ना वो कहाँ तक जाते हैं,
टिल द रॉक बेड, कहाँ तक जाएंगे? रॉक बेड तक, और वहाँ पे क्या बनाते हैं? उसका फाउंडेशन बनाते हैं, जो बीम्स क्रिएट होते हैं, पिलर्स, वो पिलर्स वहाँ से क्रिएट होते हैं और ये बिल्डिंग के एंड तक जाते हैं, जो बिल्डिंग को पूरा सपोर्ट करते हैं, जो स्टैंडिंग के लिए सपोर्ट करते हैं। इफ़ इट इज़ अ पाइपलाइन इज द लेयर्स एंड द नेबरिंग वॉल्स एंड ऑब्जर्व द केयरफुली यू विल सी द लेयर्स ऑफ द अंडर ग्राउंड, आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे मिलेंगे। लैंड इज अ मिक्सचर ऑफ सॉइल, लैंड इज अ मिक्सचर ऑफ डैश, लैंड इज अ मिक्सचर ऑफ सॉइल, किससे बनी है? सॉइल से बनी है। द टॉपमोस्ट लेयर ऑफ डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, कौन? लीव्स, डेड एनिमल्स वगैरह जो ऊपर मर जाते हैं, तो वो एक टॉपमोस्ट मटेरियल डीकम्पोज होते हैं, देट इज अ प्लांट एंड एनिमल एंड दिस कॉल द ह्यूमस, उसे क्या कहते हैं? ह्यूमस, जो सबसे ऊपर का लेयर होगा, हाँ, और यही पानी को पकड़ने की काम करता है, पानी को होल्ड करता है ये। इट इज यूजुअली फाउंड इन द डेंस फॉरेस्ट एंड लैंड बिलो द फुल्स ऑफ सैंड, सॉइल, स्मॉल स्टोन्स, वॉन्स एंड द इंसेक्ट्स, ये जो एकदम सॉइल है उसमें क्या होते हैं? इंसेक्ट्स वगैरह वो सब रहते हैं। सॉइल एंड द पीस ऑफ बैड रॉक्स आर फाउंड बिलो दिस लेयर, सबसे नीचे क्या मिल रहा है हमें? बेड रॉक मिल रहा है। जब ये जो डीपनेस होता है ना, इसमें बहुत सारे एनिमल्स वगैरह अपने बिल वगैरह घर बना के रहते हैं। दिस सॉइल इज अ इमैच्योर, जो बेड रॉक के ऊपर की जो सॉइल होती है ना वो इमैच्योर होती है, एंड फर्दर बिलो लेयर ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल डिक्रीज एंड दैट रॉक इंक्रीज, ये नीचे जाते वक्त वो क्या होगी? इमेच्योर होती है, वो धीरे 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 नीचे बेड रॉक रख जाता है। जैसे मैंने बताया, पहले बड़े रॉक्स हैं, फिर छोटे रॉक्स, फिर सैंड पार्टिकल्स, क्या हो गए? सैंड पार्टिकल्स, जो सॉइल से थोड़े बड़े होते हैं, फिर थोड़ी बारीक सॉइल हो गई एकदम पतली, और उसके ऊपर से एकदम फाइन सॉइल होगी। ओके, दिस सॉइल इज अ लेयर ऑफ द बेड रॉक एंड द मेन मिनरल इज द सॉइल आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस बेड रॉक, यही जो बेड रॉक है ना, यहीं से डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स हमें मिलते हैं, कहाँ से? इस बेड रॉक के पास ही। दैट इज सॉइल इज अ डिफरेंट रीजन इज अ डिफरेंट एंड द कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ दिस बेड रॉक, ये बेड रॉक के वजह से ही उस जगह पे जो प्रकार के रॉक्स रहेंगे तो वहाँ पे उसी कलर की सॉइल होती है। जैसे साउथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के इसमें मीन्स पुणा, सांगली, सातारा, कोल्हापुर, ये जो महाराष्ट्र के पार्ट है, यहाँ पे मोस्टली ब्लैक कलर की सॉइल मिलती है। ओके, मराठवाड़ा उस पाए जाओगे लैटराइट सॉइल, कुछ जगह पे येलोइश कलर, कुछ जगह पे रेडिश कलर की सॉइल होती है। तो ये जो सॉइल के कलर्स होते हैं ना, ये कलर्स उसके टेक्सचर, रॉक के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड होते हैं। कुछ ना, आप कर्नाटक वगैरह ऐसे जगह पे जाओगे तो कुछ जगह पे मीन्स आप तिरुपति बालाजी जाते वक्त आप रोड से, बाय रोड से जाओगे, पर ऑफ रोड से जाने का, हाईवे से नहीं, ऑफ रोड से जाओगे तो उस जगह पे बहुत सारे जो गांव लगते हैं उसमें ऐसी ऐसी सॉइल दिखती है कि पूरे लाल कलर की होती है। क्या होती है? एकदम रेड कलर की सॉइल होती है। और जब हम उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो इस सॉइल को हम लोग अपने माइथोलॉजिकल स्टोरी के साथ
ज्वाइन कर देते कि यहाँ पे पहले कोई राक्षस हुआ करता था, वो राक्षस को भगवान ने मार दिया और उसके खून के वजह से ये सॉइल लाल हो गई। तो ये स्टोरीज होती है, क्या होती है, स्टोरीज होती है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, जो रॉक्स होते हैं वो उस कलर के हैं और बिकॉज ऑफ दैट इट्स रेड, ये उस तरह से सॉइल क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी स्टोरीज और नेचुरल चीज़ें क्या होती है, साइंस अगर देखा जाए तो साइंस इसके पीछे इस तरह से होगा कि ये बिकॉज ऑफ रॉक, रॉक की वजह से ये क्रिएट हो गए। अब यहाँ पे एक प्लांट दिखा दिया है और प्लांट कहाँ पे होगा, जमीन के ऊपर, सिंपल, इट्स अ शूट और नीचे रूट, ऊपर होगा शूट नीचे होगा रूट। अब ह्यूमस और सॉइल का जो लेयर है ना, सबसे ज्यादा न्यूट्रिशंस यहाँ पे मिलेंगे, मिनरल्स यहाँ पे मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे, मिनरल्स यहाँ पे, ओके। और ये रूट्स होते हैं वो नीचे की तरफ जाते रहते हैं, कहाँ तक जाएंगे, जब तक उनको पानी मिल रहा है, पानी की तरफ वो फोर्स करते हैं। इसी वजह से बहुत सारे जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स इतने डीप होते हैं कि उसका जो टिप हमें मिलेगा नहीं, और इसी वजह से ये रूट्स क्या करते हैं, प्लांट को एंकर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अटका देते हैं, किसमें, जमीन में, और ये पकड़ लेते हैं जमीन को, पूरी तरह से जकड़ लेते हैं और आराम से ऊपर खड़े हो जाते हैं। यही फायदा हमें भी होता है कि इसी प्लांट के थ्रू जो पानी होता है ना, पानी ये स्टोर कर सकते हैं। सब लोग क्यों बोलते हैं जंगल लगाओ, जंगल लगाओ, प्लांटेशन करो, क्यों, बिकॉज दिस एंकर क्या कहा, जो भी पानी ऊपर से गिरता है ना वो ह्यूमस से बिकॉज ऑफ दिस ये नीचे चला आएगा और ग्राउंड वाटर बढ़ेगा, और ग्राउंड वाटर बढ़ेगा तो वाटर लेवल ऑफ आवर वेल्स, बोर वेल्स, इसमें बढ़ेगा, ओके। तो ये कंटिन्यू होता रहेगा, तो ये प्लांटेशन इस वजह से इम्पॉर्टेंट होगा। चलो, द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, सिंपल थिंग है, जब पहली बार हम लोग एक रॉक देखेंगे, आपने बहुत सारे सी रॉक्स देखेंगे, सी रॉक में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स क्रिएट होते हैं, क्या होते हैं, टेक्सचर क्रिएट होते हैं, कुछ ऐसे टूटे हुए, कुछ ऐसे दूसरे ही फिश बना हुआ है, कुछ फ्लाइज बन रहे हैं, ऐसे कोई कोई डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर बन जाते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ एयर। ये जो एयर होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है, ये एयर इरोड करती है रॉक्स को, क्या करती है, फ्रिक्शन कर देती है, और ये फ्रिक्शन के वजह से रॉक क्या हो जाते हैं, टूटना चले जाते हैं, और टूटते वक्त दे क्रिएट अ सॉइल। सिंपल थिंग है, एक आपके पास चीज होगा, चीज, चीज का ब्लॉक होता है, ओके। अब ये चीज का ब्लॉक ले लो और आपके पास वो चीज को हम लोग पिज़्ज़ा पे डालते हैं, तब जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो ले लो, उसको घिसनी जैसे होता है, रफ होता है वो, ओके, तो वो ले लो। ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको एयर बता दो और ये इसको रॉक, और फिर फ्रिक्शन करो, क्या होगा, देर इज अ, ये चीज़ को तोड़ते हुए नजर आएगी, यस। और एक चीज़ इजीली कर सकते हो, एक वुडन प्लैंक ले लो, अभी चीज़ को ऐसा करोगे तो मम्मी तो मारेगी, बराबर, चीज़ बहुत महंगा आता है, चीज़ का ब्लॉक तो और भी महंगा आएगा, एक वुडन का ब्लॉक ले लो, वुडन का ब्लॉक, ओके, वुडन का ब्लॉक को अज्यूम कर लो ये स्टोन है, ओके, और एक पॉलिश पेपर मिलता है, हार्ड पॉलिश पेपर मिलता है, वो ले लो और फ्रिक्शन करो, आपको दिखेगा कि वुडन के डस्ट क्रिएट हो रहा है, वुडन का क्या हो रहा है, डस्ट क्रिएट हो रहा है, और यही डस्ट क्या होता है,
जब रॉक का क्रिएट होता है, इट्स क्रिएट अ सॉइल। दूसरी चीज, देर इज वेदरिंग कंडीशन। अब ये मैंने एयर के साथ बता दिया। दूसरी कंडीशन वेदर, दिन में बहुत हीट हो रही है, बहुत हीट, और रात में कूल हो जाना। द सॉइल ऐसी चीज है या रॉक ऐसी चीज है, दे ऑब्जर्व हीट वेरी फास्ट बिकॉज दे हैविंग अ मिनरल्स, तो वो कंडक्ट कर लेते हीट को। हीट को क्या कर लेंगे, कंडक्ट कर लेंगे, एंड बिकॉज ऑफ द कंडक्शन दे एक्सपांड। ये क्या होते, थोड़े एक्सपांड हो जाएंगे, उसके जो अंदर के मॉलिक्यूल्स है ना, एक्सपांड हो जाते हैं, ओके, और रात में तुरंत ठंडे हो गए। कॉन्ट्रैक्ट, ये एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, ये हर दिन चल रहा है, और इस वजह से भी रॉक क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे टूटने लगते हैं। क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। मीन्स वेदरिंग कंडीशन भी यहाँ पे काम करती है, बराबर। कुछ जगह पे तो इतना कूल टेम्परेचर हो जाता है कि माइनस डिग्री में चला जा रहा है, तो यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं रॉक के, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट, और इस वजह से भी वो रॉक टूटने लगते हैं, दे आर स्टार्ट ब्रेकिंग। अब ब्रेकिंग रॉक्स को एयर फ्रिक्शन कर रही है, एंड हियर क्रिएट अ सॉइल, यहाँ पे सॉइल क्रिएट होती है। समझ में आ गया, चलो अभी आपके बुक्स में देखो। आपको ये इरोजन देखने है तो आपको सी बेड्स जो होते हैं, सी के ओशन, सी के जो नज़ारे हैं उसको देखो, कि वहाँ पे आपको ये जो एयर का और वाटर का इफेक्ट है ना, वो परफेक्टली दिखेगा। जैसे नियर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक एक प्लेस है, बीच है, हरिहर, यस, एक शिवजी का मंदिर है, और वहाँ पे एक प्लेस है, उस प्लेस पे पहाड़ ऊपर है, पहाड़ थोड़ा बाहर है, और जब हाई टाइड आती है, हाई टाइड, तब ये पूरी तरह से अंदर आ जाता है, पानी पूरी तरह से अंदर, मींस पहाड़ ने एक टोपी जैसे काम किया है, और नीचे से पूरा पहाड़ कट हो चुका है। क्या हो चुका है, पहाड़ पूरा कट, रॉक उसके कट हो चुके हैं, और ये केव्स की तरह क्रिएट कर दिया है। उस वाटर ने, सी वाटर ने उसे केव की तरह कट कर दिया है, और इतना रफ कट कर चुके हैं कि ये चलना भी मुश्किल होता है। मीन्स उसके जो रॉक के जो कटिंग्स होते हैं, इतने शार्प है कि उसके ऊपर हाथ ऐसा घुमाओगे तो हाथ कट हो जाएगा, तो इतने वो शार्प क्रिएट हुए, तो वो भी देखने लायक होते हैं। मीन्स वहाँ पे बहुत सारे लोग वो देखने को जाते हैं, पर कब उस विजिट करना है, लो टाइड में, लो टाइड में भी वहाँ पे पानी होता है, हाई टाइड में तो वो पहाड़ के ऊपर तक पानी आ जाता है, तो वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता। हाँ, लो टाइड में हम लोग उस सी के नीचे के लेवल के रॉक्स को हम लोग इजीली देख सकते हैं, एंड उसका इरोजन समझ सकते हैं, किस तरह से ये इरोजन होता है और इसमें सॉइल क्रिएट होगी, वो समझ सकते हैं। तो चलो, हियर प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन तो मैंने पहले बता दिया है, फिर आपके बुक के साथ आएंगे। सॉइल ऑन द लैंड इज फॉर्म द नेचुरल प्रोसेस, इट्स अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक, जो हम लोग अभी तक वाटर देख रहे, एयर देखे, सब अबायोटिक के कंपोनेंट्स हैं। सॉइल आर सप्लाई थ्रू द वेदरिंग ऑफ द बेड रॉक ड्यू टू द हीट, कोल्ड एंड वाटर, हीट, कोल्ड एंड वाटर। नेक्स्ट, सन, विंड, रेन रिस्पेक्टिवली, ये सारी चीजें, दैट इज वेदरिंग कंडीशंस, अफेक्ट्स ऑन द रॉक एंड मेक द सॉइल, ये सॉइल क्रिएट करती है।
द बेडरॉक ब्रेक डाउन इन द पीसेस स्टोन सैंड सॉइल फॉर्म इन द पीसेस एंड माइक्रोब्स वर्म्स एंड इंसेक्ट्स आर फॉर्म द अमंग देम एंड रोडेंट लाइक माइस रैट्स ऑल्सो फॉर्म देयर. मीन्स यहाँ पे जिस तरह से अबायोटिक फैक्टर काम करे दैट्स अ वेदरिंग कंडीशन. वेदर सन वाटर विंड ये सब अबायोटिक फैक्टर्स हैं. उसी तरह से कुछ बायोटिक फैक्टर्स भी काम करते हैं जैसे प्लांट्स के रूट्स. प्लांट के रूट रॉक को भी तोड़ के चले जाते हैं. आपने देखा होगा किसी घर के बाहर से कोई प्लांट बाहर आ गया मीन्स वो रूट घर के नीचे जो फाउंडेशन है उसमें से पानी खींच रहा है. ओके तो ये भी तोड़ देते रॉक को भी तोड़ सकते. दूसरे ये जो रोडेंट्स होते हैं मीन्स माइस वगैरह वो मिट्टी को कुरेदते रहते हैं. क्या होते हैं फ्रिक्शन करवाते रहते हैं और इस वजह से भी ये मिट्टी स्लीट हो जाती है. अपने बीच पे जाओ बीच पे जाने के बाद एक छोटा ये होता है मीन्स केकड़े जैसा एक जीव है. उसका नाम मुझे पता नहीं. इवन स्टार फिश ऑल्सो स्टार फिश आपने देखा होगा तो वो भी वो सॉइल में खुद को छुपा लेते हैं. क्या करते हैं सॉइल में खुद को छुपा लेते हैं और उसके लिए वो सॉइल को रब करते हैं और अपने ऊपर लेते हैं. क्या लेते हैं अपने ऊपर कर लेते हैं और वहाँ की सॉइल आप टच करोगे तो बहुत स्मूथ होती है देन द अदर एरिया. उसी बीच के ऊपर दूसरी सॉइल लो और वहाँ की सॉइल लो ये बहुत स्मूथ होती है. ये बहुत स्मूथ होगी. तो ये ही चीज़ होती है कि ये भी सॉइल क्रिएशन में काम करते हैं. द रूट्स ऑफ ट्री ग्रोइंग्स इन द लैंड एंड हेल्प्स टू वेदरिंग द रॉक. द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन ऑफ द स्लो एंड कंटिन्यूस इज टेक अबाउट थाउजेंड्स ऑफ ईयर. कितना 2.5 सेंटीमीटर दैट इज 1 इंच. एक इंच का लेयर एक इंच का लेयर अप्रॉक्सीमेट इतना होगा. इतना लेयर बनाने के लिए इन सारी चीजों को हजारों साल लगते हैं. कितना हजारों साल लगते हैं. तो और हम लोग को इस लेयर को खराब करने के लिए सिर्फ 2 मिनट लगते हैं. कुछ भी हम लोग पोर कर देते हैं फिनिश खराब हो गया वो. जबकि उसे बनाने के लिए इस नेचर को थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगे. बराबर तो ये हो गया. नाउ सॉइल कैन बी डिस्ट्रॉय कैन बी शॉर्ट पीरियड ड्यू टू द फ्लड स्टॉर्म्स एंड द ह्यूमन के एक्शन के वजह से भी सॉइल डिस्ट्रॉय होती है. नेचुरल कौन सी है फ्लड स्टॉर्म. फ्लड और स्टॉर्म के वजह से फ्लड के वजह से क्या होगा सॉइल वॉश आउट हो जाती है पानी में चली जाएगी. एंड स्टॉर्म धूल उड़ेगी हवा क्या करेगी उसको उड़ा के लेके जाएगी. तो ये फ्लो होगी. तो एंड माइनिंग वगैरह एक्टिविटीज जो इंसान खुद के लिए करता है इंसान खुद के लिए कर रहा है. व्हाई दिस इज व्हाई नेसेसरी टू कंजर्व सॉइल एंड प्रिवेंट द इरोशंस एंड द बेस्ट रेमेडी ऑफ इंक्रीज द ग्रीन कवर फॉर कंजर्विंग अ सॉइल. सॉइल को प्रोटेक्ट करना है तो ग्रीन कवर. व्हाट इज अ ग्रीन कवर दैट इज अ प्लांटेशन ऑफ ट्रीज दैट इज प्लांटेशन. द ग्रीन प्लांटेशन ये ग्रीन प्लांटेशन क्या करेगा ये सॉइल को कंजर्व करेगा दैट इज फ्लो होने से बचाएगा इरोजन होने से बचाएगा एंड इंक्रीज द मिनरल्स लेवल्स दैट इज अ ह्यूमस बढ़ाएगा. तो ये सारी चीजें सॉइल करने वाला है. देन इरोजन ऑफ द लैंड रिड्यूस इफ द ग्रास ट्री एंड बुशेस आर देयर ये होगा. ना ऑप्टेन द स्पेसिमेंस ऑफ सॉइल्स एंड वेरियस प्लेस और उससे आप कलेक्ट कर सकते हो उसकी इंफॉर्मेशन. ना ह्यूमस इज अ लेयर
फॉर्म ऑफ द सॉइल ड्यू टू द डिकम्पोजिशन, जो हम लोग ने पहले देखा, डेड प्लांट्स एनिमल्स उसके ऊपर होते और वो होते उसके माइक्रोब्स होते, उसको डिकम्पोज करेंगे. यू मस्ट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अरेस्टिंग अ सॉइल एंड द होल्डिंग वाटर. वाटर को पकड़ने के लिए भी इसकी ज़रूरत होती है. द प्रमोशन ऑफ द प्रपोर्शन ऑफ द ह्यूमस इन द अपर लेयर ऑफ अ गुड फर्टाइल सॉइल इज अ 33-50%. जितना ह्यूमस ये सॉइल में होगा उतना वो गुड फर्टाइल सॉइल माना जाती है. क्या मानी जाती है? गुड फर्टाइल सॉइल मानी जाती है. आपने देखा होगा बहुत बार क्या होता है, कुछ प्लांट्स होते हैं ना, कुछ प्लांट्स फार्मर्स, ये ल्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जहाँ पे उस रूट पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं. जब वो प्लांट से फ्रूट ले लिया, अब प्लांट को कटिंग किया जाता है और उसके रूट्स को उसी ज़मीन में दबा देते हैं. क्या करते हैं? उसी ज़मीन में दबा देते हैं. क्यों? ये रूट्स अंदर डीकम्पोज होंगे. क्या होंगे? डीकम्पोज होंगे. एंड बिकॉज ऑफ द डीकम्पोजिशन दे इंक्रीज द मिनरल लेवल एंड ह्यूमस. ये ह्यूमस बढ़ा देंगे, दैट इज न्यूट्रिशंस लेवल. ह्यूमस क्या बढ़ाएगा? इस सॉइल का न्यूट्रिएंट्स लेवल बढ़ा देगा एंड इट्स बिकम मोर फर्टाइल. दैट बिकम मोर फर्टाइल. Forest land get the barren underground due to the great up level and look the earth goes age ago. ये बहुत सालों पहले से forest land ये create हो रही है. After that process the formation of soil fossil fuel from the remain living things and look place underground. अब ये forest land में जो भी लोग रहते थे, means animals वगैरह, जब ये क्या हुआ था, एक एक्स्ट्रॉइड वगैरह कुछ हुआ, अटैक हुआ, अब ये इस वजह से ये पूरी जो लैंड थी, ओके, ये डिस्ट्रॉय हो गई, जल गई या कुछ हो गया. अब ये इसके ऊपर सॉइल इरोजन के वजह से लेयर क्रिएट हो रहे एंड इट्स क्रिएट द फॉसिल फ्यूल. इसी ने क्या क्रिएट कर दिया है? फॉसिल फ्यूल, जो हमें कोल मिलता है, पेट्रोलियम मिलते हैं, तो ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं जो हमें नीचे से मिलते हैं, मीन्स अंडरग्राउंड मिलते हैं. ओके, लिविंग थिंग्स यूज लैंड वाटर एंड एयर अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड सो डज मैन. हाउएवर द प्रोपोर्शन ऑफ दिस रिसोर्सेस दैट एक्चुअली पुट यूज वेरी स्मॉल कंपोजिशन कंपेयर टू द अर्थ होल. तो यहाँ पे लैंड का और इसका कंपोजिशन देखो, लैंड कितनी है? 29%. वाटर हमारे पास कितना है? 0.3%. ऑक्सीजन कितना है? 21%. मीन्स जो यूजेबल फैक्टर्स है ना हमारे पास, किसमें? वाटर, लैंड एंड ऑक्सीजन. ये बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर में जो यूजेबल फैक्टर है ना वो कितने है? 29, ये 21 और 0.3. ये बहुत कम फैक्टर्स हैं, मीन्स अप्रोक्सीमेट 50% के आसपास ही आ गए, 60% के आसपास. तो ये 50% के आसपास के हमारे पास रिसोर्सेस हैं और ये बहुत कम होते हैं. इवन दिस स्मॉल प्रोपोर्शन द रिसोर्सेज शोन इन द अबाउट टेबल सफिशियंट फॉर लिविंग थिंग्स. अगर इसे परफेक्टली यूज करते हो दैट इज सफिशियंट. ओनली इट इज वेरी नेसेसरी फॉर मैन टू कंट्रोल दिस ग्रीड. मैन को क्या करना है? अपनी ग्रीड को कंट्रोल करना है. ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ये कंट्रोल करो. दिस विल, तो ये हमारे लिए बहुत सफिशियंट है. बराबर. इन अदर वर्ड्स इट जस्ट दैट इज अ रिसोर्स जुडिशियरी एंड अवेयरनेस दैट इज द मीट. हमें क्या करना चाहिए? जुडिशियरी परफेक्टली उसको यूज करो,
दे आर सफिशियंट फॉर अस. इंस्टीट्यूट एट अ वर्क दैट इज अ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट दैट इज अ IMD. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या करता है? मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आपको वेदरिंग कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशंस, उसकी प्रेडिक्शंस देता है. क्या देता है? प्रेडिक्शंस देता है कि क्लाइमेट कैसे चेंज होने वाला है, वेदर क्या होने वाला है, बारिश आने वाली है, स्ट्रॉम आने वाला है, ये सब होगा. ये यहाँ पे वो देता है. वॉज एस्टेब्लिश 1875. ये पहले ब्रिटिश काल में हुआ था इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ब्रिटिशों ने इसको ये किया था. क्यों? बिकॉज इंडिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन था ना, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट था. इसका हेड ऑफिस पूना में और एक ब्रांच उसको मनाली में बनाया गया था. ओके, तो इस तरह से दो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे उन्होंने उसको स्टडी करना स्टार्ट कर दिया. दिस प्रोसेस, ये IMD ने पहली बार मैप क्रिएट किया था. स्टेट वाइज मैप उन्होंने क्रिएट कर दिए थे. ओके, यही डिपार्टमेंट है. द मेन फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट टू ऑब्जर्व द वेदर एंड द वेदरिंग फोरकास्ट. इंस्टीट्यूट ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च रिलेटेड टू द चेंजेस इन द वेदर एंड फोरकास्ट इसके एंड डेवलपमेंट्स. ये सारे ये काम करते हैं. देयर इज अ IMD. नेक्स्ट, हियर वी फिनिश दिस चैप्टर. यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया. तो इस चैप्टर में हम लोग ने समझा क्या वो बता दो. पहले, देयर आर द थ्री स्टेजेस, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड आइनोस, दैट इज सॉरी एटमोस्फीयर. ये तीन चीजें. लिथोस्फीयर में लैंड है, सॉइल कितनी है 29%, वाटर मिला हाइड्रोस्फीयर में, यूजेबल वाटर कितना है 0.3%. अब यूजेबल एयर जो हम लोग कंटिन्यूस यूज कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन है, कितना है 21%. मींस ये इतने लिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है और उसे हमें परफेक्टली यूज करना है. तो फर्स्ट एयर के बारे में देखा, एयर पोल्यूशन होती है बिकॉज ऑफ द मैन मेड फैक्टर्स. वाटर देखा, वाटर ऑल्सो पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ द मैन मेड फैक्टर्स. एंड सॉइल किस तरह से क्रिएट होती है वो भी देखा. एंड इट्स ऑल्सो पोल्यूटेड और डैमेज बिकॉज ऑफ द मैन मेड फैक्टर्स के वजह से डैमेज होती है. ओके, तो ये सारी चीज़ें देखी. एंड देर इज वन अनदर फैक्टर विच इज नेचुरल, देर इज अ स्ट्रॉन्ग एंड द फ्लड. स्ट्रॉम एंड फ्लड ये भी लैंड को या सॉइल को डैमेज करता है. ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देख ली. नाउ एक समरी देख लेते इस लेसन की और इस लेसन को स्टॉप करेंगे. ओके, हियर व्हाट यू विल लर्न. द एलिमेंट अवेलेबल इन नेचर विच फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ थिंग्स कॉल नेचुरल रिसोर्सेस. इसे क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस. एयर, वाटर, लैंड इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस. ये सबसे इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है. सॉइल हैज़ अ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. इसके पास बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं. देयर आर मेनी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर. एयर के डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम लोग ने देखे एंड देयर परसेंटेज ऑल्सो. विच परसेंटेज, विच कॉन्स्टिट्यूएंट इज ग्रेटर दैन द अदर्स. दैट इज अ नाइट्रोजन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर इज ग्रेटर दैन अदर फैक्टर्स. ओके, ओजोन लेयर इज अ प्रोटेक्टिव शेल. ये भी हम लोग ने देखा O3, उसके बारे में देखा. अल्ट्रावायलेट रेज को वो रोक लेता है एंड इसी वजह से हम लोग प्रोटेक्टिव लेयर में हैं. ओके, ये हमारे लिए एक शील्ड का काम करता है. क्या बनाता है? एक शील्ड. ओके, नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली एंड स्प्रिंगली. हमें उसे परफेक्टली यूज करना चाहिए. क्लियर? लेसन समझ में आ गया? चलो, तो अब यहाँ पे रुकना पड़ेगा. लेसन फिनिश हो चुका है. नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेंगे नई स्टोरी के साथ.
नए लेसन के साथ, और इसी तरह से हम लोग इस लेसन को पूरा इलास्ट्रेट करेंगे, पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, ओके। और आपको वो डाइजेस्ट करना इजी हो जाएगा, तो इसके क्वेश्चन आंसर इजीली सॉल्व कर सकते हो, यस ना। चलो तो क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे ऐप के ऊपर आप उसे ये कर सकते हो, हम लोग उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। इवन दे वी आवर एप्स गिव्स यू अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑनलाइन, ऑनलाइन सॉल्यूशंस आपको देने वाले हैं, ओके। तो इस ऐप का मदद ले लो, अपने दोस्तों को, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, कनेक्शन कनेक्टिव्स हैं, उनके साथ उसे शेयर कर लो, ओके। चलो तो नाउ आई एम स्टॉप हियर, वी विल मीट अगेन, न्यू लेसन, टिल देन गुड डे।